स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल यस मैम। है? ओके, कल कहाँ तक कर लिया था हमने? कहाँ तक कर लिया था कल? जायाजी राव सिंधिया, उनका आर्किटेक्चुरल कंट्रीब्यूशन भी देख लिया था। ठीक है, मोती महल, जयविलास पैलेस, ये सब देख लिया था, है ना? ये आप लोग जो पूछ रहे थे कि कौन सी चीज कहाँ पर है, वो मैंने लिख दी है यहाँ पे कि कंपू कोठी ग्वालियर में है, डफरिन सराय ये भी ग्वालियर में है, इन्होंने एक कोटेश्वर महादेव का टेम्पल बनवाया था वो भी ग्वालियर में है, और विक्टोरिया बिल्डिंग जो है वो उज्जैन में है। जयाजी राव सिंधिया को हम लोग कल देख रहे थे, ये सिंधिया स्टेट के रूलर हुए हैं, इनका हमने आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन में मोती महल जो कि ग्वालियर में है वो देख लिया था, जयविलास पैलेस देख लिया था वो भी ग्वालियर में है, हमने ये भी देख लिया था कि ये जो जयविलास पैलेस है ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है, और जिसमें कि हर स्टोरी जो बनी हुई है वो क्या है, वो एक अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमने इनके जो बाकी इन्होंने जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाए थे हमने उसका भी एक ग्लैंस ले लिया था। ठीक है, इसमें एक चीज आपकी रह गई थी, वो आप लोग इसको इंक्लूड कर लीजिए कि जयाजी राव जो थे उन्होंने वो मनी जो था वो लेंड किया था किसको? ब्रिटिशर्स को। किस चीज के लिए? आगरा ग्वालियर पोर्शन में जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे था वहां पे रेलवे को लाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था मनी का। ठीक है, कहा दो दो जगह पे दिया था इन्होंने, एक ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे को दिया था और एक राजपूताना मालवा रेलवे को दिया था। उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स रहते थे तो रेलवे, इंडियन रेलवे तो होते नहीं थे, तो वो रीजन के नाम से जाने जाते थे, तो इन्होंने इन दो जगहों के लिए, एक आगरा ग्वालियर पोर्शन के लिए और एक इंदौर नीमच सेक्शन के लिए इन्होंने आप ये बोल सकते हो कि कर्ज दिया था किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, यहाँ पे जयाजी राव, ये जू नहीं होगा, ये जी होगा, जयाजी राव सिंधिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आते हैं माधव राव सिंधिया टू। माधव राव सिंधिया टू जो रहते हैं उनका रूल कब से कब तक रहता है? 1886 से लेकर 1925 तक। ये क्या रहते हैं? ये सन रहते हैं किसके? जयाजी राव सिंधिया के, और ये सक्सेसर भी बनते हैं उन्हीं के, जयाजी राव सिंधिया के। लेकिन जब जयाजी राव सिंधिया की डेथ हुई रहती है तब ये माइनर रहते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, एक काउंसिल ऑफ माधव राव शिंदे, मतलब कि एक रीजेंसी का फॉर्मेशन कर दिया जाता है कि ये रूलर तो रहेंगे कौन, माधव राव, लेकिन अभी इनके बिहाफ पे ये रूल करेगी कौन, रीजेंसी रूल करेगी। तो ये क्या होता है कि 1886 में माइनर रहते हैं, जब इनको किंग डिक्लेयर किया जाता है या हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया जाता है, तब क्या किया जाता है कि एक काउंसिल ऑफ माधव राव शिंदे जो रहती है उसका क्रिएशन कर दिया जाता है, जो कब तक काम करती है, जो काम करती है 1894 तक। क्यों? क्योंकि 1894 में ये मेजोरिटी अटेन कर लेते हैं, मतलब उस एज में आ जाते हैं कि ये अब क्या है, कैपेबल टू रूल है। फोर में क्या होता है कि ये काउंसिल ऑफ माधव राव शिंदे जो रहती है ये खत्म हो जाती है, और फिर माधव राव जो रहते हैं वो खुद पूरी पावर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद देखने लगते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं। अब इन्हों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उसने क्या किया था, इनको सर का टाइटल दिया था, इनको नाइटहुड भी मिली हुई थी और इनको सर का टाइटल भी मिला था। मतलब कि ये क्या होता है कि ये एक बहुत ही सम्मानजनक बात है जो इनके इनके साथ ये चीज हुई थी, माधव राव सिंधिया के साथ। इन्होंने क्या किया था कि शिवपुरी को अपनी समर कैपिटल बना लिया था। ठीक है, शिवपुरी को इन्होंने अपनी समर कैपिटल बना लिया था, पहले ही इंदौर आ चुकी है कैपिटल, और अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि जो समर टाइम है वो हम कहाँ पे स्पेंड किया करेंगे, वो हम शिवपुरी में स्पेंड किया करेंगे। अब क्या हुआ कि ये जो थे ये बहुत ही ग्रेट बिल्डर थे और ये एडवोकेट थे किस चीज के, एजुकेशन के, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करवाए हैं, बहुत सारा स्कूल कॉलेजेस का इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया है, किसने? माधव राव सिंधिया ने। ठीक है,
अब इन्होंने ये देखिए यही चीज नीचे लिखी हुई है कि कॉलेजेस स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो थे इन्होंने बहुत सारे एस्टेब्लिश किए जो भी इनका स्टेट था वहां पे। इनकी डेथ कब हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है 5 अगस्त 1925 में, कहाँ पे? पेरिस में। ये क्या होता है कि ये इंग्लैंड से लौट रहे होते हैं और रास्ते में इनकी डेथ हो जाती है। आपको ये बता दूं कि आगे के जो जो सिंधिया रूलर्स होते हैं वो जाके इंग्लैंड में यूके में ही सेटल हो गए रहते हैं, इंडिया में कम रहते हैं, तो तभी से इनका आना जाना रहता है। और ये जब इंग्लैंड में रहते हैं वहां से लौट रहे होते हैं तो क्या होता है कि 5 जून 1925 को पेरिस फ्रांस में ही इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसकी डेथ हो जाती है? माधव राव सिंधिया टू की, जिनका रूल कब से कब तक था? 1886 से लेकर 1925 तक इनका रूल था। अब आप ये देखिए 1886 से 1894 तक रूलर ये थे, मगर अगर बोला डिफेक्टो रूल बोले तो वो रीजेंसी कर रही थी, काउंसिल जो बनी हुई थी वो कर रही थी। और फिर 1894 से 1925 तक ये रियल रूलर हूँ, आप बोल सकते हो कि ये रूलर बन गए, मतलब कि रियल रूलर ये पहले भी थे लेकिन अब इनके हाथ में कंट्रोल आ गया, पहले जो था वो कंट्रोल नहीं था, अब आ गया किसके? माधव राव सिंधिया के हाथ में। आपने समझ लिया माधव राव सिंधिया को कि इनका रूल कब से कब तक था? 1886 से 1925 तक था। ये सन और सक्सेसर थे किसके? जयाजी राव सिंधिया के। जब इनको राजगद्दी मिली तब ये छोटे थे, इसलिए एक काउंसिल का गठन कर दिया गया, एक काउंसिल का फॉर्मेशन कर दिया गया। फिर जब ये बड़े हुए 1894 में तो फिर इनके हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया गया इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको सर की उपाधि, सर का टाइटल आप बोल सकते हैं, वो दिया था। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने शिवपुरी को अपनी समर कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश किया। ये बहुत ही ग्रेट बिल्डर थे और ये एडवोकेट थे एजुकेशन के, और इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किए थे और हॉस्पिटल्स भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए हुए थे। इनकी डेथ हो जाती है कब? 5 जून 1925 को पेरिस फ्रांस में इनकी डेथ हो जाती है। अब हम आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं थोड़ा, किसका? माधव राव सिंधिया का। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है माधव विलास पैलेस का, बट ऑब्वियस है बिल्ट बाय किसके द्वारा होगा, किसने बनवाया होगा? माधव राव सिंधिया ने बनवाया होगा। कहाँ पर सिचुएटेड है? शिवपुरी में सिचुएटेड है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको रॉयल रेसिडेंस भी कहा जाता है। और ये जो था, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपनी समर कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर दी थी शिवपुरी में, तो जब ये शिवपुरी में आएंगे समर के टाइम पे तो वहां पर भी इनके रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो अब ये वही जगह है, ये इनका समर पैलेस था, जो आप ये बोल सकते हो हिंदी में अगर उसको आप बोलो तो ग्रीष्मकालीन जो महल इनका बोल सकते हैं वो ये था, समर पैलेस था। कौन सा? माधव विलास पैलेस। और ये जो है इसकी जो आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो बिल्ट किया गया है, ये मुगल यूरोपियन और इंडियन तीनों आर्किटेक्चरल पैटर्न्स का ब्लेंड है, तीनों को मिलाकर जो एक नई शैली आप बोल सकते हो उसमें इन तीनों शैलियों का यूज करके ये बनाया गया है। ये थ्री स्टाइल्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इसमें कुछ ट्रेड्स आपको मुगल आर्किटेक्चर के देखने को मिल जाएंगे, कुछ ट्रेड्स आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर के देखने को मिल जाएंगे और कुछ इंडियन आर्किटेक्चर के देखने को मिल जाएंगे। अगर आज की बात करी जाए, प्रेजेंट डे की बात करी जाए, तो माधव विलास पैलेस जो है, जो कि शिवपुरी में लोकेटेड है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। किस रूप में यूज करती है? इसको यूज करती है एज अ ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके ट्रेनिंग सेंटर के रूप में माधव विलास पैलेस को यूज किया जाता है, ठीक है। जॉर्ज कैसल भी किसने बनवाया था? माधव राव सिंधिया ने बनवाया था। अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ पर लाई करता है? ये लाई करता है माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में, ठीक है। माधव नेशनल पार्क जो है शिवपुरी में, उसमें जब आप अंदर अंदर में चले जाएंगे तो आपको ये कैसल देखने को मिलेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि ये जंगल के बीच में इतना कैसल टाइप का बनाने की इनको क्या जरूरत पड़ गई? तो हुआ ये कि किंग जॉर्ज 5 ऑफ इंग्लैंड इंडिया आए थे वो, और उनका ऐसा प्लान था कि वो यहाँ भी आएंगे फॉर शूटिंग एंड एडवेंचर, कि वो यहाँ पे आके शिकार करेंगे और यहाँ पे एक रात रुकेंगे, तो उनके रुकने के लिए ये सेंटर बनवाया गया था।
कौन सा, जॉर्ज कैसल वाला, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये बन तो जाता है पूरा की पूरा, जॉर्ज कैसल बन के तैयार हो जाता है, माधवराव सिंधिया इसको बनवा देते हैं इनके आने से पहले। लेकिन क्या होता है कि इस कैसल से पहुंचने से पहले ही पहले क्या होता है कि वो शिकार कर लेते हैं अपना और वो वहीं से लौट जाते हैं, वो कभी भी इस कैसल में रहने के लिए नहीं आते हैं। कौन? किंग जॉर्ज फाइव ऑफ इंग्लैंड, मतलब जिसके लिए बनवाया गया था, वो व्यक्ति कभी भी इस कैसल तक नहीं पहुंचता है। कहाँ पर है? ये शिवपुरी में है। ऐसे ही इन्होंने एक सेलिंग क्लब की भी इस्टेब्लिशमेंट करी है माधवराव सिंधिया ने, जो कि शिवपुरी में ही है। ये भी समर एडवेंचर लोकेशन है, मतलब ये बोटिंग वगैरह के काम आता था उनके जब वो समर में यहाँ पर आते थे शिवपुरी में तब, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने एक सेक्रेटेरिएट हॉल, शिवपुरी क्लब, अभी यहाँ पे बैडमिंटन एकेडमी है शायद, और फ्रीगंज जो उज्जैन में जगह है उसका भी इन्होंने ही आप बोल सकते हो कि फाउंडेशन डाली थी। किसने? माधवराव सिंधिया ने। यहाँ पे माधवराव सिंधिया जो है उनका रूल एंड हो जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे जीवाजी राव सिंधिया, जिनका रूल कब से कब तक रहेगा, जिनका रूल रहेगा 1925 से लेकर 1948 तक। 48 में ये क्या करेंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेंगे। तो फिर ये रूलर उस टाइप से नहीं रह जाएंगे, इसीलिए इनका रूल जो लिखा गया है वो 1925 से लेकर 1948 तक लिखा गया है। जीवाजी राव सिंधिया जो हैं वो अब, बट ऑब्वियस जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रही है तो ये लास्ट सिंधिया रूलर होंगे, है ना, जो कि ग्वालियर स्टेट को रूल करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ग्वालियर स्टेट है उसका हो जाएगा मर्जर। किसमें हो जाएगा? इंडियन यूनियन में। कब हो जाएगा? 1947 में, जब इंडिपेंडेंस मिलेगी इंडिया को तब इनका जो है वो मर्जर हो जाएगा। जब माधवराव सिंधिया की डेथ होती है तो फिर उनकी, इनके लिए भी एक रीजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, बिकॉज ये भी छोटे रहते हैं उस टाइम पे, तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी बना दी जाती है। किसके अंडर में बना दी जाती है? इनकी जो मदर रहती हैं महारानी चिनकू राजे सिंधिया। तो जो चिनकू राजे सिंधिया रहती हैं वो माधवराव सिंधिया की वाइफ रहती हैं, और उनकी हेडमैनशिप में एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया जाता है। किसके लिए? जीवाजी राव सिंधिया के लिए। अब ये जो जीवाजी राव सिंधिया हैं, इनकी शादी किससे हुई रहती है, किससे इनकी मैरिज होती है, वो होती है लेखा। काउंसिल ऑफ रीजेंसी मतलब? काउंसिल ऑफ रीजेंसी मतलब कि एक ऐसी कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्टेट बना दी जाएगी, जो कि ये जो बच्चा है जिसको अभी राजगद्दी मिली हुई है, ये जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसके बिहाफ पर ये जो रहेगी ये पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखेगी। इतनी जगहों पर काउंसिल ऑफ रीजेंसी आ चुकी है, और अब आप पूछ रहे हो काउंसिल ऑफ रीजेंसी। नहीं मैम, मैंने आज अटेंड करी पहली क्लास। क्या नाम है आपका? अनुज नायर। हाँ, अनुज नायर। ओके, जीवाजी राव सिंधिया की मैरिज किससे होती है? लेखा दिव्येश्वरी नाम की एक महिला रहती हैं, उनसे इनकी मैरिज होती है। लेकिन ये जो रहती हैं, ये बाय ओरिजिन जो रहती हैं, ये मराठा नहीं रहती हैं, ये राजपूत रहती हैं। अगर इनका ओरिजिन देखा जाए तो ये राजपूत रहती हैं, और बाद में जब इनकी शादी होती है किससे? इनसे होती है, तो मराठा जो रिचुअल्स होते हैं, मराठा रिचुअल्स के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, इनका जो नेम है वो चेंज कर दिया जाता है। और जब नेम चेंज कर दिया जाता है तो इनका नेम रख दिया जाता है विजया राजे सिंधिया। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया की शादी किससे होती है? लेखा दिव्येश्वरी नाम की एक महिला से होती है, जो कि राजपूत ओरिजिन को बिलोंग करती हैं, और फिर बाद में उनका नाम रख दिया जाता है विजया राजे सिंधिया, और वो इतनी पॉपुलर होती हैं कि उनके नाम के आगे राजमाता भी लग जाता है, बिकॉज बट ऑब्वियस जब ये सीनियर होंगे तो इनके नाम के भी आगे जैसे महाराज लगेगा तो ये भी राजमाता कहलाने लगती हैं। अब इनके जीवाजी राव सिंधिया के रूलिंग पीरियड का एक जो लैंडमार्क इवेंट आप बोल सकते हो वो ये है कि इनके टाइम पर क्या हुआ था, इंडिया को जो मिली थी, क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, है ना। और फिर इनकी डेथ हो जाती है कब? 16 जुलाई 1961 को इनकी डेथ हो जाती है जीवाजी राव सिंधिया की। अब आप देखिए क्या होता है कि जीवाजी राव सिंधिया
जो रहते हैं वो जो उनके आसपास के जो प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं उनको वो कन्विंस करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको एक आपस में एक एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, एक छोटा सा स्टेट बनाना चाहिए और फिर हमें इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाना चाहिए। मतलब कि उनको बोलते हैं कि हमें मर्जर कर लेना चाहिए। तो अब ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं इस रीजन के, जब ये साथ में आएंगे और अपने आप को एक एक यूनिट की तरह आइडेंटिफाई करेंगे, सिंगल यूनिट की तरह आइडेंटिफाई अगर करेंगे तो उसका कुछ नया नाम भी रखना पड़ेगा। तो उसका जो नया नाम रखाता है वो रखाता है मध्य भारत। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जीवाजी राव साइंड अ कोवेनेंट, एक सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट आप बोल सकते हो इसको, विद द रूलर्स ऑफ द एडजॉइनिंग प्रिंसली स्टेट्स। मतलब जहाँ पे ये सिंधियाज का जो स्टेट था उसके आसपास का जो रीजन था, ग्वालियर के आसपास का जो रीजन था उसके, उनके आसपास भी, और जैसे यही एक अकेले प्रिंसली स्टेट्स थोड़े थे, इनके आसपास और भी बहुत सारे लोग रूल कर रहे थे, होलकर्स भी रूल कर रहे थे, आप देखिए उनके आसपास और भी बहुत सारे लोग रूल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, सबको एकजुट किया और सबके साथ एक कोवेनेंट साइन किया कि हम अपने ऐसा करते हैं, अपनी सारी जितनी भी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको यूनाइट कर लेते हैं और एक न्यू स्टेट बनाते हैं, कहाँ, विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, और उसका नाम हम क्या रखेंगे, मध्य भारत रखेंगे। इनकी बात जो है सब लोग मान जाते हैं, ठीक है। और अब ये नया जो ये रहता है, ये स्टेट फॉर्म हो जाता है और ऐसा बोला जाता है कि ये जो स्टेट रहेगा ये गवर्न किया जाएगा एक काउंसिल के द्वारा, ठीक है। और उस काउंसिल का जो हेड होता है तो वो क्या कहलाएगा, राज प्रमुख कहलाएगा। द न्यू कोविनेटेड स्टेट वॉज टू बी गवर्न बाय अ काउंसिल हेडेड बाय रूलर टू बी नोन एज राज प्रमुख। मतलब अब ये जो भी इनका ग्रुप है, इस ग्रुप में से किसी एक को चूज कर लिया जाएगा कि अभी आप राज प्रमुख हैं इसके, तो इनको भी तो वो जो व्यक्ति जो इसको हेड करेगा, जिसको चूज कर लिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो राज प्रमुख कहलाएगा। अब मध्य भारत जो रहता है, ये आप समझ रहे हैं मैं कौन सा पोर्शन बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको बता रही हूँ ग्वालियर स्टेट का मर्जर विद इंडियन यूनियन कैसे हुआ। इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई नई चीज आ गई है, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस, ये उसके आगे की स्टोरी है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो मैम। जीवाजी राव सिंधिया ने क्या किया, अपने आसपास के जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उन सबको राजी किया, उनको मनाया कि चलिए हम एक नया स्टेट बनाते हैं सब लोग मिलके, और फिर उस स्टेट को पार्ट बना दिया जाएगा किसका, इंडियन यूनियन का। अब ये जो नई स्टेट रहेगी इसका जो हेड रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको राज प्रमुख कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये लोग जो हैं ये लोग साथ में आ गए हैं, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, अब इन्होंने अपने आप को एक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कौन साइन करेगा, ये अलग अलग साइन करेंगे या मध्य भारत साइन करेगा? मध्य भारत साइन करेगा ना, बिकॉज इन्होंने तो खुद को एक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो मध्य भारत जो स्टेट रहता है वो साइन करता है एक फ्रेश इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इससे पहले बिकॉज इनमें से कुछ लोग अपना अलग अलग भी साइन कर चुके रहते हैं, बोलते हैं कि हाँ हम इंडिया में मिलेंगे, लेकिन अब ये जो नई कॉन्सेप्ट आ गई रहती है मध्य भारत की कि सब लोग मिलके इंडिया में जाएंगे, तो क्या होता है कि एक फ्रेश इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो कब से इफेक्टिव होता है, वो होता है इफेक्टिव 15 जून 1948 के टाइम से वो इफेक्टिव होता है। और इस तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ग्वालियर स्टेट जो रहता है वो किसमें मर्ज हो जाता है, वो इंडियन यूनियन में मर्ज हो जाता है और इंडिया का पार्ट बन जाता है ना। अब जो ये जीवाजी राव सिंधिया रहते हैं, बिकॉज आप देख रहे हो कि इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है किसमें, मध्य भारत के फॉर्मेशन में। तो ये क्या बनते हैं, ये फर्स्ट राज प्रमुख बनते हैं, ठीक है। राज प्रमुख जो रहते हैं, मैंने जैसा कि बताया कि ये हेड होगा, एक रूलर जो होगा वो इसको हेड करेगा। तो जो फर्स्ट राज प्रमुख बनते हैं वो कौन बनते हैं, जीवाजी राव सिंधिया बनते हैं। राज प्रमुख को आप इंग्लिश में ये समझ सकते हो कि अपॉइंटेड गवर्नर, इसका मीनिंग होता है राज मतलब की स्टेट और प्रमुख मतलब की हेड। तो उस स्टेट का जो फर्स्ट हेड होता है किसका, मध्य भारत का, वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं जीवाजी राव सिंधिया। और ये कब से कब तक सर्व करते हैं, ये अब आप देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गया है, ये आ गया है। तो अभी ये 1948 से लेकर 1956 तक के टाइम पर लगभग ये पूरा की पूरा ये सर्व करेंगे, ठीक है। राज प्रमुख ये बने रहेंगे, कौन, जीवाजी राव सिंधिया।
31 अक्टूबर 1956 तक बने रहेंगे। अब 31 अक्टूबर 1956 तक क्यों ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट जो भी रहते हैं उन सबको वापस रीऑर्गेनाइज किया जाता है। लिंग्विस्टिक बेसिस पे। और जब इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो इसमें से कुछ पार्ट जो है वो चला जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो आपके मध्य प्रदेश का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा फिर, ये फाइनली ग्वालियर जो है पहले मध्य भारत का पार्ट बना। मध्य भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब, 1948 में। ये जो सेटलमेंट था ये कब तक चलता रहा, ये चलता रहा 1956 तक, जब तक की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया। और जब 1956 में पूरा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो ये मध्य भारत में जो ग्वालियर का पार्ट था ये किसका पार्ट बन गया, ये फाइनली मध्य प्रदेश का पार्ट बन गया, जैसा कि हम आज देखते हैं, ठीक है। मध्य भारत को आप थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए कि ये मध्य भारत एक्चुअली है क्या। आपने जब लास्ट क्लासेस में जो समझा वो ये था कि 1818 में क्या होता है कि एंग्लो मराठा वॉर ओवर हो जाता है और ब्रिटिश जो रहते हैं बहुत सारी टेरिटरीज जो रहते हैं वो कॉन्कर कर लेते हैं। जब वो टेरिटरीज कॉन्कर कर लेंगे तो वो उनको ऑर्गेनाइज करेंगे अपने तरीके से, जिससे कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ईज हो, उनको उसको एडमिनिस्टर करने में ईज हो। जिस जैसा उसका जो भी टेरिटरी रहेगी उसको वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि उनको शासन चलाने में, उनके कम्युनिकेशन में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको इजीनेस रहे। तो वो क्या करते हैं कि बहुत से प्रिंसली स्टेट्स जो रहते हैं सेंट्रल इंडिया के, उनको मिला के क्या बना देते हैं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश का मर्जर, अभी तो आप एक एक डायनेस्टी का मर्जर देख रहे हो कि ग्वालियर स्टेट का कैसे मर्जर हुआ, भोपाल स्टेट का कैसे मर्जर हुआ, महाकोशल रीजन का कैसे मर्जर हुआ, लेकिन जब आप इसको पूरा ऐसा मध्य प्रदेश का मर्जर आप देखोगे तो फिर उसमें ये सब वर्ड्स आएंगे कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी क्या थी, मध्य भारत क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्या था। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इन रीजन में कौन कौन से रीजन फॉल करते थे, कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी में क्या क्या आता था, मालवा कौन किस चीज का पार्ट था, सेंट्रल प्रोविंस में क्या कौन कौन से रीजन आते थे, तो वो वहां सिर्फ आपको फिर क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप इसको समझ लो कि कहाँ पे क्या क्या रीजन इसके अंडर में आता था और फिर वो रीजन कैसे जाके मध्य प्रदेश का पार्ट बनता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है कि 1818 के बाद ब्रिटिश जो रहते हैं वो सोचते हैं कि ये जो भी टेरिटरीज हमने एक्वायर करी हैं इसको हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये क्या करते हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं सेंट्रल इंडिया के, उन सबको मिला के एक एजेंसी बना देते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रल इंडिया एजेंसी। मतलब अब उस टेरिटरी को ये कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट की तरह ओवरऑल नहीं देखेंगे, अगर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से वो उसको कैसे देखेंगे, वो उसको देखेंगे एज अ सेंट्रल इंडिया एजेंसी, है ना। अब जो मालवा एजेंसी होती है, मालवा जो अभी आप होलकर में पढ़ेंगे, मालवा एजेंसी क्या रहती है, वो क्या बन जाती है, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बन जाती है। अब देखिए सेंट्रल इंडिया एजेंसी तो बहुत बड़ा टेरिटरी का नाम है, उसके अंडर में छोटी छोटी एजेंसीज रहेंगी, तो ऐसे ही ये मालवा एजेंसी भी इसका पार्ट बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बन जाती है किसका, सेंट्रल इंडिया एजेंसी का, ठीक है। अब ये जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी रहती है इसमें एक चीज जो याद रखने लायक है कि ये पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर ही बनाई रहती है, ठीक है। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं जिन्होंने डोमिनियंस एक्सेप्ट किया रहता है सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, उनको मिलाकर जो टेरिटरी बनाई जाती है वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी रहती है, ठीक है। अब बाद में फिर ये मध्य भारत के प्रमुख कौन बनते हैं, जयाजीराव सिंधिया इसके प्रमुख बने रहते हैं तभी से, ठीक है। अब क्या होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है, जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी रहती है ये क्या बन जाती है, ये सेपरेट स्टेट बना दी जाती है, ये पूरी प्रोविंस। अब देखिए हम इसको डायनेस्टी वाइज देख रहे थे, लेकिन अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम ये बोल रहे हैं कि ग्वालियर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, तो तुरंत हमको क्लिक हो जाना चाहिए कि ग्वालियर उस टाइम पे क्या था, ग्वालियर उस टाइम पे सेंट्रल इंडिया एजेंसी का पार्ट था।
ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो रहती है वो एक नया स्टेट बना दी जाती है इंडिया का, और उसका रीनेम भी कर दिया जाता है, उसको क्या बोल दिया जाता है, मध्य भारत। यही मध्य भारत जो यहाँ जिसकी बात हो रही थी कि इन्होंने बोला था कि हम लोग मिलके एक एग्रीमेंट करते हैं और हम लोग एक साथ मतलब इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, और यही मध्य भारत जो रहता है उसको मालवा यूनियन भी बोला जाता है, बिकॉज बहुत सा एरिया उसमें मालवा रीजन का भी फॉल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड, दो टाइप के टर्म्स आप देखेंगे कि आती है। एक आती है सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो अभी आपने देखी, और दूसरी आती है सेंट्रल प्रोविंसेस। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है ये यहीं पर डाल दिया है। और ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ मध्य भारत वाला पार्ट और ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंसेस वाला पार्ट, इसको जब मैं होलकर डायनेस्टी पढ़ाऊंगी आपको तब भी आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज तब वहां मैं इसको वापस से इतने ही डिटेल में नहीं बताऊंगी। ठीक है, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं सेंट्रल इंडिया के, जिनको कि कौन करता है, ब्रिटिशर्स जो रहते हैं उसको वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और ये लेटर किस नाम से जानी जाती है, ये लेटर मध्य भारत के नाम से जानी जाती है। अब ये जो मध्य भारत है ये किसका पार्ट बनता है, ये पार्ट बी स्टेट बनता है। ठीक है, इसीलिए जब आप मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है ऐसे करके कि ये टेरिटरी थी, ये इसका पार्ट बी की टेरिटरी थी मध्य भारत जो थी, और ये भोपाल स्टेट था, ये इसकी टेरिटरी थी, ऐसे करके लिखा रहता है। और फिर मतलब ये आपको उसमें आपके पास कोई भी मध्य प्रदेश की अगर बुक होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें इस टाइप का एक डिस्क्रिप्शन हमेशा दिया ही रहता है जब भी आप रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ते हो, कि अभी का जो मध्य प्रदेश है वो कौन कौन सी टेरिटरीज से मिलकर उस टाइम पर बना था, और फिर उसके बाद कौन सी टेरिटरी मध्य प्रदेश के पास गई, कौन सी महाराष्ट्र के पास चली गई, कौन सी राजस्थान के पास चली गई, ये पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें रहता है। तो अब जब आप उस डिस्क्रिप्शन में सेंट्रल इंडिया एजेंसी देखोगे या मध्य भारत का नाम देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि मध्य भारत क्या था। मध्य भारत जो था वो प्रिंसली स्टेट्स का एक ग्रुप था पूरा की पूरा, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी को मध्य भारत बोला जाता था, और ये किसका पार्ट बनती है, ये पार्ट बी स्टेट बन जाती है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस भी मैं इसलिए बता दे रही हूँ यहाँ पे बिकॉज मैं महाकोशल रीजन आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैम जो प्रिंसली स्टेट का जो ग्रुप था तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया में जो जहां जहां जो प्रिंसली, नहीं नहीं उसके आसपास के रीजन, देखिए एडजॉइनिंग एरिया लिखा हुआ है ना, एडजॉइनिंग एरिया, एडजॉइनिंग प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, जो उनके आसपास के अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं वो होते हैं, ऑल ओवर इंडिया का नहीं। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस जो था वो 1861 में बनाया गया था, ये मैंने आपको कल भी बताया था, इसको मैं आज और अच्छे से बता दे रही हूँ आपको। सेंट्रल प्रोविंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था जब गोंडवाना रीजन का मर्जर वाली बात बताई थी। ठीक है, अब सुनिए, सेंट्रल प्रोविंस जो था वो 1861 में बनाया जाता है। अब इसकी स्टोरी क्या रहती है कि वही आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या होता है कि महाकौशल रीजन जो रहता है वो ब्रिटिश प्रोविंस बन जाता है। इस महाकौशल रीजन को मैंने कल बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं, कौन, ब्रिटिशर्स, और इसका इसको नया नाम क्या दे दिया जाता है, सागौर एंड नर्मदा टेरिटरी, इसको नया नाम दे दिया जाता है, किसको, महाकौशल रीजन को, है ना। और साथ में ही एक और स्टेट जो रहता है, स्टेट ऑफ नागपुर, जो कि ब्रिटिशर्स ने कब एक्वायर किया रहता है, ब्रिटिशर्स ने उसको एक्वायर किया रहता है 1853 के टाइम पर। अब जो ये स्टेट ऑफ नागपुर रहता है इसमें कौन कौन से रीजन आएंगे, इसमें रीजन आएंगे साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश का रीजन आ जाएगा, ईस्टर्न महाराष्ट्र का रीजन आ जाएगा, और छत्तीसगढ़ का रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे ब्रिटिशर्स, क्या करेंगे कि ये जो सागौर एंड नर्मदा टेरिटरी है प्लस जो नागपुर का स्टेट है इसको मिलाकर ये एक नई टेरिटरी बना देंगे, जिसका ये नाम क्या कर देंगे, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, क्या करेंगे, सेंट्रल प्रोविंस इसका नाम कर देंगे। अब ये सेंट्रल प्रोविंस जो रहता है यही आप देखोगे
इसके बाद क्या होता है कि इसमें बरार तब तक नहीं रहता है, बरार एक रीजन रहता है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है 1936 में। पहले सेंट्रल प्रोविंस बनती है, फिर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम का पूरा एक कंबाइंड रीजन बनता है, जो कि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो जाता है तो ये क्या बनता है, ये पार्ट ए स्टेट बन जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब आप ये देखोगे कि मैंने ये विदर्भा को इतना बड़ा करके क्यों लिखा है, या छत्तीसगढ़ को इतना बड़ा करके क्यों लिखा है, महाकौशल को इतना बड़ा करके क्यों लिखा है, बिकॉज आप देखो कि जो रीजन था, ये वाला रीजन जो था महाकौशल वाला, ये अभी भी मध्य प्रदेश के पास ही है, आप एक तरीके से ये बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो नागपुर में जो था, ये इसका जो पार्ट था विदर्भ वाला पार्ट जो था, तो जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिओर्गेनाइजेशन होगा स्टेट्स का, तो ये जो है ये मराठी स्पीकिंग एरिया होगा, तो ये क्या कर दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी 1956 से पहले ये इसी का पार्ट है, मध्य भारत उसका सॉरी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का पार्ट है, जो कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार का एक मेजर पोर्शन जो है वो मध्य प्रदेश का पार्ट बनेगा 1956 में। लेकिन क्या है कि अब ये जब लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिओर्गेनाइजेशन होगा स्टेट्स का, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये महाराष्ट्र में चला जाएगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ जो है, जब स्टेट वापस से रिओर्गेनाइज हुआ, जब छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ, तो छत्तीसगढ़ भी चला जाएगा। इसीलिए इनको मैंने बोल्ड में लिख के रखा हुआ है, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए। अब आप ये देख लो, ये उस टाइम का मैप है। मैंने आप जैसे अभी एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि ओवरऑल इंडिया, नहीं ओवरऑल इंडिया नहीं, आप ये बाउंड्रीज देखिए, ये वाला जो रीजन है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मध्य भारत, तो मतलब ग्वालियर, और यहाँ ग्वालियर होगा कहीं पे, ग्वालियर और उसके आसपास के जो एरियाज थे, और ये देखिए मालवा वाला भी एरिया इसमें आ रहा है, ग्वालियर और उसके आसपास के जो एरियाज थे वो जो थे वो बने मध्य भारत। अब आप ये देखिए, ये छोटा सा भोपाल स्टेट दिख रहा है आपको बीच में, भोपाल स्टेट इस टाइम पे क्या था, इंडिपेंडेंट, इस टाइम पे वो अलग स्टेट था, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट तो वो पहले ही हो चुका था। भोपाल इस समय क्या, ये वाली जो टेरिटरी है आपकी मध्य भारत वाली टेरिटरी क्या है, ये पार्ट बी टेरिटरी है। भोपाल जो है ये कौन सी टेरिटरी है उस टाइम पर, ये है पार्ट सी टेरिटरी। विंध्य प्रदेश जो है ये भी क्या है, ये भी पार्ट सी टेरिटरी है। और ये जो मध्य प्रदेश नाम से आ रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है। ये जो बड़ा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, बिकॉज आप देखिए जो भी मैंने आपको अभी टेरिटरीज बताई, कि छत्तीसगढ़ वाला पार्ट ये देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, ठीक है, साउथ ईस्टर्न मध्य प्रदेश जो था उसमें वो वाला पार्ट, ये सब कुछ इसमें आ रहा है, महाकौशल का रीजन इसमें आ रहा है, और कुछ पार्ट महाराष्ट्र का भी आप देखेंगे, विदर्भ वाला पार्ट जो है वो भी इसमें आ रहा है। तो ये कौन सी टेरिटरी हो गई आपकी, मध्य प्रदेश जहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाली टेरिटरी हो गई। और ये जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो था, ये कौन सी आप स्टेट का पार्ट था, ये पार्ट था पार्ट ए स्टेट का, ठीक है। अब जब ये जो भी ये टेरिटरीज दिख रही हैं अभी हमको, जब इन टेरिटरीज में से कुछ काट छांट होगी ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तब क्या होगा, आगे जाके मध्य प्रदेश का आप ये बोल सकते हो कि फॉर्मेशन होगा, किसका, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन होगा। अब आप कभी भी इसको देखोगे कि आपका मध्य प्रदेश का स्टेटस बिफोर 1956 कैसा था, और उसमें कौन कौन सी टेरिटरीज थी, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ, एक मध्य भारत था जो कि पार्ट बी स्टेट था, बीच में छोटा सा भोपाल स्टेट था जो पार्ट सी स्टेट था, ऊपर की तरफ आप ये देख सकते हो कि विंध्य प्रदेश था वो भी पार्ट सी स्टेट था, और ये हाँ नीचे की तरफ जो था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो था वो पार्ट ए स्टेट था। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए जो होता है वो सबसे पहले आता है, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो था वो सबसे बड़ा था, वो सबसे पहले था, है ना, ये ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद मध्य भारत बी फॉर भारत हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि मध्य भारत जो था वो बी में था, है ना, और बचे कौन से दो छोटे छोटे, एक भोपाल और एक विंध्य प्रदेश, ये दोनों जो थे पार्ट सी में थे। अगर आप इसको ऐसे ले जाओगे, मतलब
ए से स्टार्ट करते हुए बी से और सी से ऐसे ले जाओगे तो आपको अच्छे तरीके से वो याद हो जाएगा। फिर इसी का रिओर्गेनाइजेशन होता है और मध्य प्रदेश इसमें से निकल कर आता है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे तीन मैप्स और हैं, इनको आप ये देखो कि इसमें कौन कौन सा स्टेटस दिया गया है। इसमें 1947 से 56 का स्टेटस दिया गया है, फिर 1950 का भी स्टेटस दिया गया है, 1956 का भी स्टेटस दिया गया है कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या था। देखिए ये वाला पोर्शन था, ये देखिए फिर यहाँ पे ये एकदम क्लियरली चौक आउट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा क्या, मध्य भारत वाला पोर्शन। ये जो बीच में छोटा सा दिख रहा है ये आपका भोपाल वाला पोर्शन बन जाएगा। इधर जो है ये आपकी विंध्य प्रदेश वाला पोर्शन बन जाएगा। ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला पोर्शन बन जाएगा। और फाइनली इन सब में से कुछ ना कुछ निकल कर आएगा जो कि ये उस टाइम का जो 1956 का जो मध्य प्रदेश था ये वो बन जाएगा। और फिर जब फाइनली और रिओर्गेनाइजेशन होगा तो फिर ये आप ये देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ चला गया और ये आपका आज का प्रेजेंट मध्य प्रदेश बच गया। आ गया सबको समझ में? ये इसको आप और जाके ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो इसको आप और जो ये ऊपर जो ये मार्क्स दिए हुए हैं इनको देखकर इनको जब आप और अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको बेटर पता चल जाएगा। ठीक है, कब कब का दिया है, 1947 का दिया है, फिर 1950 के टाइम का दिया है, फिर 1956 के बाद का दिया है आफ्टर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। 1956 में जब लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया था उसके बाद का दिया हुआ है। अब ये मैंने आपको मिसलेनियस में कल बता दिया था कि छत्री ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर में है और कैसे उनके ऊपर जब ब्रिटिश फोर्सेस का अटैक होता है यूग्रोज के लीडरशिप में तो वो क्या करती हैं, ग्वालियर फोर्ट से जंप कर देती हैं। ये सारी स्टोरी जो थी वो आपकी कल हो चुकी थी। इसके अलावा एक और नाम आया था आपने जो एनकाउंटर किया था नरवर फोर्ट का। तो नरवर फोर्ट जो है वो शिवपुरी में सिचुएटेड है, कहाँ पे, विंध्यन रेंजेस में। और ऐसा बोला जाता है कि ये कछवाहा राजपूत रूलर्स जो थे उन्होंने बनाया था, कब, 10th century AD में उन्होंने बनाया था ये, है ना। और ये कौन से स्टाइल में बना हुआ है नरवर फोर्ट, ये राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है। बाद में इसको कैप्चर कर लिया जाता है, कौन इसको कैप्चर कर लेता है, इसको मुगल्स और फिर सिंधिया, पहले मुगल्स और फिर उनके बाद जो सिंधिया रूलर्स होते हैं वो नरवर फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी सिंधिया डायनेस्टी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे होलकर डायनेस्टी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम जैसे सेंट्रल इंडिया में मतलब वो सेंट्रल एजेंसी बनी थी, वैसे इंडिया के रेस्ट मतलब जो बाकी पार्ट है उसमें कोई सी दूसरी एजेंसी भी बनी थी, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मतलब ऐसे सेंट्रल इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट थे उनने मिलके ऐसे मध्य भारत बना लिया था। वैसे ही मतलब इंडिया में दूसरी जो प्रिंसली स्टेट थे जो मतलब मध्य भारत के अराउंड नहीं थे, और भी एजेंसीज थी ब्रिटिशर्स की उस टाइम पर। लेकिन चूंकि हमको डायनेस्टीज जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है विद इन ज्योग्राफिक रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसीलिए हमने उन्हीं एजेंसीज को पढ़ा जो कि विद इन रेफरेंस ऑफ ज्योग्राफिक रेफरेंस ऑफ मध्य प्रदेश आती है। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने तो अपनी टेरिटरी का ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया किया ही था अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए, जहां भी उनका पोजीशन था उसको उन्होंने अपने हिसाब से नेम किया था और अपने हिसाब से उसकी बाउंड्रीज को चौक आउट भी किया था। ओके मैम, अब हम कंटिन्यू करेंगे होलकर डायनेस्टी को। हमारी कौन कौन सी डायनेस्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं, भोपाल स्टेट, गोंड स्टेट और आज इसके बाद सिंधिया। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं होलकर। अब कौन सी बच जाएंगी इसके बाद, बुंदेलखंड की डायनेस्टीज, बुंदेलखंड रीजन की में जो डायनेस्टीज परिश हुई थी वो बच जाएंगी, और बघेलखंड रीजन में जो डायनेस्टीज परिश हुई थी वो बच जाएंगी हमारी। ठीक है, ओवरऑल हमको 6 डायनेस्टीज जो हैं उनको पढ़ना है। अब देखिए आप,
भोपाल स्टेट जो था वो यहाँ यहाँ वाला रीजन था वो हमने पढ़ लिया। ग्वालियर स्टेट जो था सिंधिया वाला वो भी हमने पढ़ लिया, उनका कुछ कुछ यहाँ तक भी था वो भी हमने देख लिया। जबलपुर का जो रीजन था महाकौशल वाला गोंडवाना स्टेट वाला वो भी हमने पढ़ लिया। अब आज हमारा एरिया अंडर कंसिडरेशन क्या है, ज्योग्राफिक एरिया अंडर कंसिडरेशन वो ये एरिया है जहाँ पे होलकर डायनेस्टी जो थी वो फ्लरिश हुई थी, वो एरिया हमको आज पढ़ना है। ठीक है, अब जैसा कि हम करते आ रहे हैं, हमने जितने भी डायनेस्टीज पढ़ी जो भी स्टेट्स पढ़े, हम क्या करते हैं कि पहले एक ओवरऑल जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कब क्या क्या हुआ था, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन जाए। एक चीज मैं आपको बता दूं, अब मैं होलकर्स का रिओर्गेनाइजेशन उतनी डिटेल में नहीं लूंगी बिकॉज मैंने रिओर्गेनाइजेशन जो था आपने देखा होगा कि उसमें मालवा एजेंसी भी लिखा था, जो मालवा एजेंसी थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट थी किसकी, जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनी थी उसकी, तो वो पूरा की पूरा रिओर्गेनाइजेशन यहाँ पर भी कॉमन चलेगा। यदि मुझे कुछ लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है उससे तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज आप उसी को रिफर कर लीजिएगा। कुछ फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे सेंट्रल इंडिया एजेंसी तो फिर उसमें ये मालवा रीजन भी आ जाएगा आपका। ठीक है, मालवा रीजन कहाँ पे आता है, ये वेस्टर्न पार्ट जो रहता है मध्य प्रदेश का वहां पर ये लाइक करता है। अगर आज के डेट में देखा जाए कि प्रेजेंट डे में कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं उसका जो पार्ट बनते थे, उस टाइम का जो मालवा किंगडम था उसका जो पार्ट बनते थे वो थे मंदसौर, रतलाम, शाजापुर का एरिया, कुछ एरिया राजगढ़ का, इंदौर, देवास, कुछ एरिया सीहोर का और उज्जैन। अब ये जो जो रीजन है ये ऐसा नहीं है कि जब होलकर आए ये तभी ऑक्यूपाई किया गया, ये तो बहुत पहले से एंशियंट टाइम से ही, एंशियंट हिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी तो उसी टाइम से ये क्या था, ये ऑक्यूपाइड था आपने, बिकॉज जब महाजनपद काल पढ़ा होगा और फिर उससे पहले आपने जब महाजनपद काल पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक अवंती नाम की महाजनपद भी पढ़ी होगी, वो क्या था, वो इसी एरिया में थी, मतलब ये बहुत पहले से ही ऑक्यूपाई है। आपने आपने जब अशोक को भी पढ़ा होगा तब भी आपने पढ़ा होगा कि जो अशोक थे वो यहाँ के क्या थे, गवर्नर थे इस एरिया के, है ना। तो ये जो एरिया है इट वाज ऑक्यूपाइड सिंस एंशियंट टाइम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि जब से होलकर्स आए इस एरिया में तभी से यहाँ की हिस्ट्री शुरू होती है, हिस्ट्री इनकी बहुत पहले से चली आ रही है इस रीजन की हिस्ट्री, है ना। और ये जो एरिया है इसको बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया, मौर्यास ने रूल किया, गुप्ता डायनेस्टी ने इसको रूल किया, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी हुई थी इसको, जब हम बुंदेलखंड पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा इसको देखेंगे। परमार राजपूत जो थे उन्होंने भी इसको रूल किया एक टाइम तक, मालवा सल्तनत ने रूल किया, मालवा सल्तनत आप ध्यान करिए इसका रेफरेंस आया भी था जब बाज बहादुर की बात हुई थी, जब हम गोंडवाना स्टेट पढ़ रहे थे तब बाज बहादुर की बात हुई थी तो मालवा स्टेट का रेफरेंस आया था, है ना। तो ये सब इन लोगों ने इस रीजन में रूल किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद मुगल्स ने रूल किया, मराठास ने भी रूल किया और फिर बाद में ये ब्रिटिश के अंडर में चला जाएगा प्रिंसली स्टेट्स के थ्रू। तो अब इसमें भी ये तो हमने ओवरऑल मालवा रीजन को देख लिया कि हाँ जहाँ पे ये किंगडम फ्लरिश हुआ था उसके आसपास के जो एडजॉइनिंग एरियाज थे वहां पे ये फ्लरिश हुआ था, लेकिन अगर इसमें भी हम बहुत स्पेसिफिक हो जाएं इंदौर को लेकर, बिकॉज इंदौर जो थी वो इनकी कैपिटल थी होलकर्स की, है ना। तो अगर हम स्पेसिफिक हो जाते हैं इंदौर को लेकर तो हम थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो इंदौर का देख लेते हैं। इंदौर जो है इसका सबसे पहला जो नाम था वो इंद्रेश्वर था, और इसका नाम इंद्रेश्वर क्यों रखा गया था, बिकॉज एक राष्ट्रकूट किंग होते थे इंद्रा त्री करके, इंद्र त्री करके, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था इंद्रेश्वर टेम्पल इस जगह पर। तो अब वो जो टेम्पल था उसी इंद्रेश्वर टेम्पल के नाम से इस जगह को जाने जाने लगा और इसका नाम इंद्रेश्वर पड़ गया, जिसको आज हम इंदौर के नाम से जानते हैं। ये कब की बात हो रही है, ये 10th सेंचुरी की बात हो रही है। इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि मालवा रीजन जो है वो मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन में लाई करता है। हमने डिस्ट्रिक्ट्स भी देख लिए कि उस टाइम पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उस किंगडम का जो पार्ट बने थे। हमने ये भी जाना कि मालवा रीजन जो है ये पर्टिकुलर जो भी पूरा उसका एडज्वाइनिंग एरिया है, ये ऐसा नहीं है कि ये होलकर्स जब आए ये तभी बसा, ये उससे पहले ही बसा हुआ था और भी बहुत सारी जो रूलर्स थे, किंगडम्स थे, डायनेस्टीज थी, वो यहाँ पे आई और रूल करी और चली गई, जिसमें कि मौर्यास हुए, गुप्ता हुए,
गुर्जर प्रतिहारा हुए, परमार राजपूत हुए, मालवा सल्तनत हुई, मुगल्स हुए, मराठास हुए और फिर लास्ट में ये ब्रिटिशर्स के पास आता है। इस सिटी का नेम किसने रखा? इस सिटी का नेम इंद्रेश्वर जो टेंपल है उसके नाम पे रखा गया है। और इस इंद्रेश्वर टेंपल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? राष्ट्रकूट किंग थे इंद्राथ्री करके, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब इंदौर जो है वो देखिए वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि ये आज का नहीं बसा है, ये एक ओल्ड सेटलमेंट है, ठीक है। अब अगर केवल ये अभी ओवरऑल एरिया की बात हो रही थी मालवा रीजन की, ठीक है, और अगर अब हम एकदम स्पेसिफिक होके इंदौर में आ जाएं तो इसकी कहानी आप ये बोल सकते हो कि जब ये 10th सेंचुरी में टेंपल यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है वो, और फिर जब इसको और ज्यादा प्रोमिनेंस मिलने लगती है वो कब से? वो 15th सेंचुरी से, है ना। और यह जब जो सबसे पहला सेटलमेंट बनाया गया था वो वहां पे एक नदी बहती थी उसके किनारे पर बसाया गया था, वो नदी का नाम क्या था? सरस्वती उस टाइम पर उसको ऐसा बोला जाता था। अब ये जो एरिया है जिसकी बसाहट की बात हो रही है अभी, तो वो एरिया आज के टाइम पे क्या जाना जाता है? वो जूनी इंदौर के नाम से वो एरिया जाना जाता है। हमने कल बैटल ऑफ अमझेरा पढ़ा था, कौन बताएगा बैटल ऑफ अमझेरा के बारे में मुझे? मालवा कैंपेन का पार्ट था। और मैं स्पेसिफिक होके पूछूंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग बता दीजिए जिसने भी रिवाइज किया हो। किसी ने भी रिवाइज नहीं किया कल का? अगर आप लोग रिवाइज करके नहीं आओगे तो जो नेक्स्ट टू डायनेस्टीज हैं आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी उनकी, ये आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ जो है वो बाद की बात होती है, पहले जब क्लास चल रही होती है तो उसके साथ में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लिखें उसको, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं क्लास के साथ में, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, तो फिर आपको कभी भी वो चीज जो है आपको याद नहीं रहेगी। पीडीएफ आपके लैपटॉप में या आपके फोन में बहुत सारी पीडीएफ पड़ी रहती हैं जो आपके किसी काम की नहीं होती हैं, आपको कभी याद नहीं होती हैं। जब तक आप नहीं लिखोगे आपको याद नहीं होगा। बैटल ऑफ अमझेरा हमने कल देखा था कि ये पेशवा बाजीराव वन जो थे, उनके ये मालवा कैंपेन का पार्ट था। और इसमें मुगल फोर्सेस को किसने लीड किया था? वहां के जो गवर्नर थे मुगल्स के, एक का नाम था गिरधर बहादुर, और दूसरे का नाम था दया बहादुर। बहुत जगह इसको दया राम बहादुर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये जो बैटल ऑफ अमझेरा था ये 1728 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि ये लोग वहां से चौथ का जो है कलेक्शन करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो मुगल्स रहते हैं उनको ये चीज अपनी सोवरेनिटी पे उनको क्वेश्चन लगता है कि ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये बैटल हो जाता है। और इसी बैटल के थ्रू पे इसी बैटल का जो रिजल्ट रहता है उसमें क्या होता है कि जो रीजन जो रहता है मालवा का, जो ये जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं वो किसके अंडर में आता है? वो मराठास के अंडर में आ जाता है। अब क्या होता है कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जब एंड होता है 1818 के टाइम का, तो फिर ये जो किंगडम है, ये जो होलकर किंगडम है, वो क्या बन जाएगा? ये प्रिंसली स्टेट का पार्ट, प्रिंसली स्टेट बन जाएगा। किसके संरक्षण में? किसके प्रोटेक्टोरेट में? ब्रिटिश इंडिया के प्रोटेक्टोरेट में, ठीक है। अब इंदौर जो है वो इंदौर कैपिटल, इंदौर जो है वो इसकी इंदौर प्रिंसली स्टेट, यहाँ पे इंदौर प्रिंसली स्टेट जब बोला जाए तो आप इसको होलकर से समझिएगा, मराठा होलकर, है ना। देखिए लिखा भी हुआ है इंदौर प्रिंसली स्टेट ऑफ द मराठा होलकर, इसकी ये कैपिटल बना दिया जाता है और फिर ये हेडक्वार्टर भी बनता है ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी का कुछ टाइम तक। और समर कैपिटल, जब मध्य भारत का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो मध्य भारत की दो कैपिटल्स बनाई जाती हैं, तो उसमें जो एक कैपिटल रहती है वो इंदौर रहता है, ठीक है। दोनों कैपिटल्स जो रहती हैं वो 6-6 मंथ्स के लिए बनाई जाती हैं, 6 मंथ यहाँ पे सीट रहती है, कहाँ पे? इंदौर में, और 6 मंथ्स दूसरी जगह पर रहती है। तो ये इसका कैपिटल बनता है कौन? इंदौर। ये सेटलमेंट कब तक चलेगा दो कैपिटल वाला? जब तक मध्य भारत रहेगा।
तो मध्य भारत कब तक रहता है? 1948 से, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, 1948 से 1956 तक मध्य भारत रहेगा, और तभी तक ये उसकी कैपिटल भी रहेगा, है ना। जब उसके बाद क्या हुआ कि इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, किसका? मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के अंडर में इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। अब ये हमने ओवरऑल इंट्रोडक्शन जान लिया कि भाई सबसे पहले इसको बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर चुकी हैं, इसका नाम कैसे ड्राइव होता है, इंदौर का हमने वो भी जान लिया कि मराठास के अंडर में कैसे आया, बैटल ऑफ अमझेरा हुआ था उसके थ्रू ये मराठास के अंडर में आ गया, और फिर उनके हाथ से कब गया, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आप बोल सकते हो 1818 में हुआ था, तब ये उनके हाथ से चला गया और एक प्रिंसली स्टेट बन गया अंडर द प्रोटेक्टोरेट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और उसके बाद का भी स्टोरी आपको पता चल गया कि भाई ये कैपिटल बनी थी मध्य भारत की, और फिर तब तक रही जब तक कि मध्य भारत का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो गया। किसमें इनकॉर्पोरेशन नहीं हो गया? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब हम होलकर्स के बारे में जान लेते हैं कि होलकर्स आखिर में थे कौन। मैंने आपको जब मराठास का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बोला था कि इनकी 5 क्लैंस हैं, वो रूल कर रही हैं जगह जगह से, जगह जगह की टेरिटरीज से वो रूल कर रही हैं, 5 क्लैंस किसकी? मराठास की, है ना। तो जो मराठा रूलर जो इंदौर के थे, जो लोग इंदौर में रूल कर रहे थे, उनको क्या बोला जाता था? उनको ही होलकर बोला जाता था, ठीक है। और ये जो भी क्लैंस थी ये लोग अपने सरनेम से जानी गई हैं, ठीक है। तो ये होलकर इनका सरनेम था यहाँ पर जो रूलर्स थे, तो इसीलिए यहाँ का नाम भी होलकर डायनेस्टी पड़ा। तो ये मराठा रूलर्स थे कहाँ के? इंदौर के, जिन्होंने होलकर डायनेस्टी का फाउंडेशन ले किया। अब ये किसको बिलोंग करते थे? ये एक धंगर कम्युनिटी होती है, ये उसको बिलोंग करते थे। इस धंगर कम्युनिटी से हम क्या समझें? ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसका जो ओरिजिन होता है वो पीजेंट ओरिजिन होता है। मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये लोग पीजेंट्स होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, ये लोग शेफर्ड कास्ट की होते हैं, ये लोग शेफर्ड होते हैं। मतलब जो आप हिंदी में अगर समझना चाहो, जो भेड़ बकरी चराने वाले होते हैं, जिनको हिंदी में गड़रिया बोला जाता है, ये उस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। कौन? होलकर डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो, ठीक है। अब ये कहाँ से आए थे? ऐसा बोला जाता है कि ये लोग मथुरा रीजन से आए थे। तो ये धनगर कम्युनिटी के, तो फिर इनको धनगर नाम से क्यों नहीं जाना जाता है? तो वो यहाँ पे बताया गया है, धनगर नाम से क्यों नहीं जाना जाता, बिकॉज थोड़े दिन बाद अब यहाँ का कोई एक पीजेंट लोग हैं, ये लोग क्या किए, ये माइग्रेट हो गए। एक जगह है डेक्कन में, विलेज है, मतलब पुणे के आसपास ये विलेज पड़ता है आपका, उस विलेज का नाम क्या है? होल। तो ये लोग कहाँ आके रहने लगे? ये लोग होल में आके रहने लगे। अब होल में आके रहने लगे तो अब ये क्या करेंगे कि ये उस जगह से आइडेंटिफाई करेंगे खुद को, है ना। और कर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो वहां पर रह रहे हो, तो अब ये दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाता है? होलकर। तो इसी वजह से इनका जो सरनेम होता है होलकर, बिकॉज ये होल नामक जगह पर रह रहे होते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो जो इनहेबिटेंट्स ऑफ होल हैं वो क्या कहलाएंगे? वो होलकर कहलाएंगे। और ये इसीलिए ये इनका फैमिली सरनेम बन जाता है, किसका? होलकर्स का। और ओरिजिनली ये क्या रहते हैं? ओरिजिनली ये धंगर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब ये डायनेस्टी जो है इसका फाउंडेशन किसने ले किया? ये डायनेस्टी फाइंड करी थी मल्हार राव होलकर ने। यहाँ पे जब आप देखिए, ये बैटल ऑफ अमझेरा की बात होगी, इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि जब पेशवा जाएंगे तो उनको भी अपनी टेरिटरीज को क्या करना रहेगा? रीऑर्गेनाइज करना रहेगा। तो जब वो टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो वो अपने सरदार जो हैं टेरिटरी का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। जब टेरिटरी का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो उसमें क्या रहेंगे? जो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सरदार, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स जो रहेंगे, जिनको वो सरदार बोलते थे, उनको क्या करेंगे कि वो किसी न किसी एक प्रोविंस का कंट्रोल दे देंगे कि आप इस प्रोविंस की टेक केयर करो। यही यहाँ पर भी होता है कि क्या होता है कि मल्हार राव होलकर को इस प्रोविंस की टेक केयर करने के लिए यहाँ का जो सूबेदार है वो नियुक्त कर दिया जाता है, वो अपॉइंट कर दिया जाता है। और इस तरीके से ये क्या करते हैं? ये फाउंडेशन ले करेंगे किसकी? होलकर डायनेस्टी की, कहाँ पे? इंदौर में। अब क्या होता है कि इनिशियल कैपिटल जो रहती है इनके स्टेट की, वो कंपेल नामक एक जगह रहती है, कंपेल नाम की एक टेरिटरी रहती है, वो जो रहती है वो होलकर्स की फर्स्ट कैपिटल होती है। बाद में इस कैपिटल को ट्रांसफर करके इंदौर कर दिया जाता है। अब इसको 3 मार्क में लिखने को आ जाएगा।
तो आपके पास सफिशियंट कंटेंट है, इनफैक्ट 5 मार्कर के हिसाब से भी आपके पास मोर देन 50 वर्ड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। कंपेयर जो रहता है ना, इंदौर जो रहता है वो पहले कंपेल, आप ये समझ लो कि बहुत सारे परगनास जो रहते हैं उस टाइम के, कंपेल भी उसमें से एक रहता है। वो परगनास वहां से ट्रांसफर करके ये क्या करते हैं, उस परगने से ट्रांसफर करके अपना जो कैपिटल है वो इंदौर में बना लेते हैं। अब यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है किसकी, रूलर्स ऑफ होलकर डायनेस्टी की। बहुत सारे रूलर्स हैं, आप देख रहे हो, काउंट कर लो अपने हिसाब से, ठीक है। हम जो है हम इनको इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहेंगे जिनके टाइम पे कोई इवेंट हुआ, या आप ये बोल सकते हो कि कोई लैंडमार्क इवेंट हुआ है, हम उन्हीं को स्टडी करेंगे। हम एक एक को इन पर्टिकुलर जाके स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज जब किसी के टाइम पे कुछ ऐसी बात तो हुई ही नहीं रहेगी, तो फिर हम उनको स्टडी करके ही क्या करेंगे। हमें बस उन लोगों को स्टडी करना है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मल्हार राव होलकर आते हैं, ये तो फाउंडर ही हैं। फिर इनके बेटे होते हैं खंडेराव होलकर। खंडेराव होलकर के आगे आप देखिए कुछ भी कोई टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है। वो टाइम पीरियड इसलिए नहीं लिखा हुआ है बिकॉज खंडेराव होलकर जो रहते हैं ये पहले प्रिंस तो बन चुके रहते हैं, कि मल्हार राव होलकर के बाद जो गद्दी संभालेंगे वो खंडेराव होलकर ही संभालेंगे। लेकिन होता क्या है कि अराउंड 1754 के टाइम पे इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ये एक बैटल ऑफ कुम्हेर में गए रहते हैं, वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। तो ये आप ये बोल सकते हो कि ये कभी रूलर बनते ही नहीं है। अब इनका जो बेटा रहता है वो मालेराव होकर रहता है, वो बहुत छोटा रहता है और उसकी भी डेथ जो रहती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इनका भी रीजन आप रीन जो आप देख रहे हैं, रूलिंग पीरियड जो है वो 1 ईयर से भी ये कम का ही है, ये कुछ मंथ्स का ही रहता है। फिर अब ये जो खंडेराव रहते हैं इनकी वाइफ रहती है अहिल्याबाई। तो अब जब इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, इनके जो सन है उनकी भी डेथ हो गई है, तो बट ऑब्वियस वो पूरे पावर में आ जाएंगी, तो ये अहिल्याबाई होलकर यहाँ पे पावर में आ जाती है 1767 से लेकर 1795 तक। ये ऑलमोस्ट फॉर 28-30 ईयर्स जो है ये रूल करती है, ठीक है। इसके बाद होते हैं तुकोजीराव होलकर। तुकोजीराव होलकर जो रहते हैं वो आप ये समझ लो कि मल्हार राव होलकर के ग्रैंड नेफ्यू रहते हैं, ग्रैंडसन नेफ्यू रहते हैं, ऐसे आप ये समझ लो, ठीक है। कि मतलब इनके मल्हार राव होलकर के फादर के जो भाई थे उनके बेटे के बेटे अगर आप लोगे तो वो तुकोजीराव होलकर आएंगे। इसके बाद काशीराव होलकर नाम के एक रूलर होते हैं। फिर खंडेराव टू। अब आप देखिए यहाँ पर भी जैसे सिंधिया डायनेस्टी में हो रहा था कि जो नेम्स का रिपीटेशन था, वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। एक मल्हार राव होलकर यहाँ पे आ चुके हैं, दूसरे मल्हार राव होलकर यहाँ पे आ चुके हैं, एक खंडेराव होलकर यहाँ पर है, दूसरे खंडेराव होलकर यहाँ पर है, पहले तुकोजीराव होलकर यहाँ पर है, फिर आप आगे जाओगे तो एक और तुकोजीराव होलकर मिलेंगे। यहाँ पे यशवंतराव होलकर 1 है, यहाँ पे आप देखिए यशवंतराव होलकर 2 है, और तुकोजीराव होलकर तो 3 भी है। ये देखिए 2 और 3 भी है। तो ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको 1, 2, 3 के हिसाब से इनका जो रूलिंग पीरियड है वो आप अपने ध्यान में रखिएगा, ताकि केवल ऐसा मत करिएगा कि केवल तुकोजीराव याद रख लिया, बिकॉज किसी और तुकोजीराव के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और आपने किसी और तुकोजीराव के कंटेक्स्ट में आंसर कर दिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इनके बाद यशवंतराव होलकर 1 के बाद किसका रूल आता है, मल्हार राव होलकर 2 का रूल आता है, फिर मार्तंड राव होलकर का रूल आता है। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, 1 ईयर या उससे भी कम के लिए ही ये रूल करते हैं। उसके बाद आता है हरिहर राव होलकर का रूल, जो कि 1834 से लेकर 1843 तक लगभग 9 ईयर्स तक ये रूल करते हैं। फिर आते हैं खंडेराव होलकर 2 जो रूल करते हैं 43 से 44 तक, इनका भी रूलिंग पीरियड बहुत कम रहता है। तुकोजीराव होलकर जो रहते हैं आप ये देखिए उनके टाइम, उनका एक अच्छा टाइम रहता है, कंसिडरेबल टाइम वो रूल करते हैं, तुकोजीराव होलकर 2, ठीक है। उसके बाद शिवाजीराव होलकर आते हैं, ये 1886 से लेकर 1903 तक रहते हैं, और फिर तुकोजीराव होलकर 3 आते हैं जो 1903 से लेकर 1926 तक रहते हैं। फिर यशवंतराव होलकर 2 का रूल आता है जो 1926 से 1948 तक होता है, और इनके टाइम पे क्या होता है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है।
अब आप ये देखिए, इनका रूल जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको हम पढ़ेंगे तुकोजीराव होलकर को, बिकॉज यहाँ पे क्या लैंडमार्क इवेंट हुआ होगा। अब आप इनके रूलिंग पीरियड देखिए, 1844 से लेकर 1886 तक का इनका रूलिंग पीरियड है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनको हमको पढ़ना रहेगा। इसके साथ ही अब ये इनका रूल देखिए आप, मल्हार राव होलकर टू का रूल देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए कौन सा पीरियड है, 1811 से 1833 का पीरियड है, है ना। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, इस पीरियड में आप ये समझ सकते हो कि एंग्लो मराठा वॉर चल रहे थे, तो इनका भी हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम पे क्या करेंगे, कोई ना कोई ट्रीटी होगी। यशवंत राव होलकर के टाइम पर भी ट्रीटी होगी, तो इन जो इस टाइप के जो लैंडमार्क इवेंट वाले जो रूलर्स हैं उनको हमको देखना पड़ेगा, उनको हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही तुकोजी राव होलकर के टाइम पर भी कुछ इवेंट्स होते हैं, हमें उनको भी देखना है। अहिल्या भाई होलकर अपने आप में पूरा आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर हैं, उनको भी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको लिस्ट ऑफ रूलर्स मिल गई, आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि लगभग आपको इतने रूलर्स हैं जो आए हुए हैं और इनको आपको एनकाउंटर करना रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनके इनसे जुड़े जो लैंडमार्क इवेंट रहेंगे उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, किसकी, होलकर डायनेस्टी के रूलर्स को। अब यहाँ तक हमने क्या जान लिया, हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि ये ज्योग्राफिकली कहाँ पे फ्लरिश हुई थी, ज्योग्राफी कहाँ पर है इसकी, हमने इसकी एक क्विक हिस्ट्री भी जान ली, और साथ में हमने लिस्ट ऑफ रूलर्स भी देख ली कि कौन कौन से लोग थे जो इसको रूल करके गए, किसको, होलकर डायनेस्टी को। तो अब हम क्रोनोलॉजिकली जो इसके रूलर्स हुए हैं उनको हम पूरा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन डिटेल। सबसे पहला नाम आता है मल्हार राव होलकर का, मल्हार राव होलकर वन, ठीक है। इनका रूल कब से कब तक रहेगा, 1731 से लेकर 1766 तक। अब आप देखिए इनको जो 31 क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज बैटल ऑफ अमझेरा तो 1728 में ही हो चुका है, तब वो इनके पास थोड़ा बहुत कंट्रोल आ ही गया है पेशवा के पास मालवा का, ठीक है। लेकिन ये जो अपनी आप बोल सकते हो कि ये जो बोले इनका जो शासन काल शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, वो 1731 के टाइम से शुरू होगा, किसका, मल्हार राव होलकर का। तो अब मल्हार राव होलकर कौन थे, ही वॉज फाउंडर ऑफ द होलकर डायनेस्टी ऑफ इंदौर। अब इनके फादर का क्या नाम था, ही वॉज सन ऑफ खंडोबा। इनको ये बहुत ही इनकी जो भी वो रहती है, जो आगे की आप बोल सकते हैं कि वंशावली रहती है, जो आगे की जो जनरेशंस रहती हैं वो खंडोबा को बहुत ही पूजनीय मानती हैं। खंडोबा जो रहते हैं वो उनके लिए आप ये समझ लो कि गॉड टाइप रहते हैं और उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इनके कल्चर में। अब ये जो ये क्या रहते हैं, मल्हार राव क्या रहते हैं, ये रहते हैं सोल्जर। अब मैंने आपको बताया था कि जो बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव वन जो थे, उनकी प्रायोरिटी कौन लोग रहते हैं, उनकी प्रायोरिटी जो रहते हैं वो यंग लोग रहते हैं। यही इनके साथ भी होता है, बिकॉज इनके जो फादर रहते हैं खंडोबा, वो जो रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, वो पेशवा की मिलिट्री में रहते हैं, ठीक है। और वो पेशवा को अपनी सर्विसेज देते देते ही उनकी क्या रहती है कि वो उनकी डेथ हो जाती है, वो चले जाते हैं। फिर उनके बाद क्या रहते हैं कि ये भी जो रहते हैं ये भी ज्वाइन कर लेते हैं, और ये देखते हैं कि ये बहुत ही ब्रेव हैं, करेजियस हैं, और इनकी जो भी मिलिट्री की जो जो स्ट्रेंथ है उसको देखकर क्या रहता है, जो पेशवा रहते हैं वो बहुत ज्यादा इनसे इम्प्रेस होते हैं, तो वो इनको भी एज अ सोल्जर मतलब रख लिया जाता है उस टाइम पे। ही वॉज अ सोल्जर ऑफ हाई कैलिबर एंड अ ट्रस्टेड ऑफिसर। अब देखिए सोल्जर तो हैं ये हाई कैलिबर के, लेकिन अब इनकी जो क्षमता है, जो इनका जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि इनके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको देखते हुए क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ट्रस्टेड ऑफिसर बन जाते हैं, किसके, पेशवा बाजीराव के, है ना। और फिर इनका क्या कर दिया जाता है, इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है, कहाँ पे, मालवा में, कि आप जाओ ऐसा करो मालवा जाओ और वहां से चौथ जो है और सरदेशमुखी है वो कलेक्ट करो वहां के 12 जागीर से,
ऐसा इनको बोल दिया जाता है। इसी के यही चीज होती है जिसकी वजह से बाद में बैटल ऑफ अमजेरा जो होता है वो टेक प्लेस करता है 1728 में। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि होती वो मुगल प्रोविंस है, लेकिन मराठास क्या करते हैं वहां से चौथ की एक्सट्रैक्शन करनी शुरू कर देते हैं, चौथ जो टैक्स रहता है उसको वसूलना शुरू कर देते हैं। अब साथ में ही क्या होता है कि 1724 में बाजीराव वन जो रहते हैं वो इनको कमांड देते हैं कि लो आप 500 हॉर्सेस भी रख लो, और फिर आप इस तरीके से, मतलब ये क्या बताता है, ये इनका जो स्टेटस है वो बढ़ रहा है, ये चीज डिनोट कर रहा है किसका, मल्हार राव का, मल्हार राव होलकर वन जो है, जो इनका स्टेटस है वो बढ़ रहा है इनको, मतलब अब किसी को 500 हॉर्सेस अगर दे दिए गए हैं तो आप ये समझ लो कि वो उसके उसकी ताकत अच्छी हो गई है अब पेशवा की नजर में। अब ये क्या बनते हैं, ये बहुत जल्दी पेशवा के जो रहते हैं चीफ जनरल बन जाते हैं मालवा के, मालवा का जो बहुत सारा कार्यभार रहता है वो इनको सौंप दिया जाता है कि अब आप मालवा में अपना धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जमाने लगो। अब क्या होता है 1733 में, अब आप यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ अमजेरा जो है वो हो चुका है, ये 1724 है, बीच में 1728 आएगा जहाँ पे बैटल ऑफ अमजेरा जो है वो हो चुका है। बैटल ऑफ अमजेरा हो चुका है और जो मालवा पेशवा है उनके पास मालवा का कंट्रोल आ गया है। तो अब 33 में क्या रहता है कि पेशवा के पास पूरा कंट्रोल आ चुका है मालवा का, और अब ये क्या बोलते हैं कि ऐसा करो होलकर स्टेट जो है ये एक होलकर स्टेट बना देते हैं 28.5 परगनास को मिलाकर। परगना आप एक समझ लीजिए कि एक यूनिट है, ज्योग्राफिकल यूनिट है जो कुछ विलेजेस को मिलाकर बनती थी, अब उन विलेजेस, अब उस यूनिट को भी अगर उन 28 यूनिट्स को भी मिला दिया जाए और तो उसके बाद जो यूनिट बनती है उसको उन्होंने होलकर स्टेट का नाम दे दिया पेशवा ने, और ये किसको दे दी, मल्हार राव होलकर को दे दी कि ये अब आप इसको कंट्रोल करो। ठीक है, मल्हार राव होलकर, अब देखिए ये जो है यहाँ तक मालवा की बात चल रही थी, अब अगर इंदौर स्पेसिफिक की बात करें तो 1933 में जब ये पूरा मालवा कॉन्क्वेस्ट करते हैं तो ये इनको एज अ बूटी मिलती है कि ठीक है इंदौर जो है इनको एज अ पार्ट ऑफ बूटी मिलती है जब इनका मालवा का कॉन्क्वेस्ट होता है 1733 में, और डिटेल में जब कॉन्क्वेस्ट होता है ये तब की बात हो रही है। इसके बाद क्या होता है, मल्हार राव होलकर जो रहते हैं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है क्या, सूबेदार, गवर्नर। सूबेदार का क्या मतलब होता है कि गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, मतलब अब ये जो इन्होंने, देखिए ये जो इन्होंने स्टेट बनाई है होलकर स्टेट, इसको ये क्या बोलते थे, सूबा, और सूबे को जो कंट्रोल करेगा वो क्या हो जाएगा, सूबेदार। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है मराठास के अंदर में, सूबा जो है। तो ये जो मल्हार राव होलकर रहते हैं इनको क्या बना दिया जाता है, सूबेदार बना दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है कहाँ का, ये जो इनको प्रोविंस दिया रहता है इंदौर और उसके आसपास का, और उसका नाम क्या दे दिया जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है होलकर स्टेट, है ना। अब 1934 में क्या होता है, मल्हार राव जो रहते हैं वो एक कैंप एस्टेब्लिश करते हैं कहाँ पे, इसी जगह पर, और बाद में उसको किस नाम से जाना जाता है, मल्हारगंज के नाम से उसको जाना जाता है। मल्हार राव जो रहते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है कब, 20 मई 1766 को। अब यहाँ पे एक मेंशन आता है बैटल ऑफ तिरला का। बैटल ऑफ तिरला जो है वो किसके किसके बीच में फाइट करी गई थी, वो करी गई थी मुगल फोर्सेस थी एक साइड पे और होलकर की फोर्सेस थी, मल्हार राव जिसको लीड कर रहे थे दूसरी साइड पे, और इसमें क्या हुआ था, इसमें जो होलकर थे वो विक्टोरियस हुए थे। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मल्हार बैटल ऑफ तिरला जो है वो अगर आपको पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मल्हार राव होलकर से रिलेटेड है। ठीक है, अब मल्हार राव होलकर का हम आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी चीजें बनवाई थी। तो मल्हार राव होलकर ने राजवाड़ा नाम की एक जगह बनवाई थी, कहाँ पे, इंदौर में, है ना। कब बनवाई थी, 1747 में बनवाई थी, जो कि इनका रेसिडेंस थी, और इनका रेसिडेंस ये कब तक रही, 1880 तक, जब तक, मतलब 1880 तक जो भी होलकर रूलर्स थे उनका जो रेसिडेंस थी वो रजवाड़ा नाम की एक प्लेस थी। इसको और क्या बोला जाता है, इसको होलकर पैलेस भी बोला जाता है, किसको, राजवाड़ा को। ये कैसी है, ये 7-story बिल्डिंग है, 7-story स्ट्रक्चर है, जो कि लोकेटेड कहाँ पे, जहाँ पे छतरी लोकेटेड है इन लोगों की, वहीं पर ये लोकेटेड है। छतरी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे ये सभी रूलर्स की समाधि बनाई जाती है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, और ये क्या है, ये इसका आर्किटेक्चर बहुत ही, मतलब
आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का किया गया है, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, रॉयल ग्रैंडुअर एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स का। और ये किस चीजों से मिलाकर बनाई गई थी, ये स्टोन और लकड़ी और पत्थरों से मिलाकर ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा किया गया है। किसकी बात हो रही है, राजवाड़ा की बात हो रही है। अब यहाँ पर इनका ये जो है आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इनका जो रूल था 1731 से लेकर 1766 तक, इसके बीच में भी एक और लैंडमार्क इवेंट हुआ था जिससे कि मराठा पावर को एक सेटबैक लगा था, वो क्या था, वो आपने कल पढ़ा था, जिसके बाद ये हुआ था कि मराठास की जो एम्बिशन थी ऑल ओवर इंडिया एक साम्राज्य को एस्टेब्लिश करने की, एक मतलब पैन इंडिया रूल को एस्टेब्लिश करने की, उसको एक सेटबैक लग गया था। वो क्या चीज थी, वो कौन सा इवेंट था? सब्सिडियरी अलायंस तो साइन हो जाती है? नहीं, सब्सिडियरी अलायंस तो बहुत बाद में आएगा। टाइम पीरियड देखो ना आप, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है। बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब आप देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761 में हुआ था। सभी मराठास ने फॉट किया था, तो क्या ये नहीं गए थे लड़ने के लिए? किसी के भी मन में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ? अब ये हुआ किसके किसके बीच में था, ये मराठास के बीच में हुआ था और अफगान फोर्सेस जिसको लीड कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में ये हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद आप ये समझ सकते हो कि मराठास की जो पावर थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, मराठा की जो पावर थी वो बहुत कम हो गई थी, उनका एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सनसेट जो था वो शुरू हो गया था। मल्हार राव, अब आपने देखा कि ये बहुत ही हाई कैलिबर के सोल्जर थे, बहुत ही ट्रस्टेड जनरल थे ये, काफी मतलब इनकी बहुत ज्यादा जो मतलब बहुत क्वालिटीज थी इनकी जो ये मिलिट्री में इनके काम देती थी, तो ये भी गए थे पानीपत की लड़ाई लड़ने के लिए। मल्हार राव होलकर भी गए थे, लेकिन फिर ये वापस भी आ गए थे, इन्होंने उसमें फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। बिकॉज होता क्या है कि उस टाइम पे एक और जनरल रहते हैं वहां पे मराठास के, जिनका नाम रहता है सदाशिव। सदाशिव जो रहते हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और मल्हार राव को हमेशा ह्यूमिलिएट करते रहते हैं, इनको इनके कम्युनिटी के नाम से बार बार बुलाते रहते हैं, और इनको ये जताते रहते हैं कि आप तो छोटे हो, आपको बस पेशवा ने यहाँ पे तक पहुंचा दिया है, आप में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि मराठास की जो एक आप बोल सकते हो कि उनकी जो क्वालिटी रहती है वो ये रहती है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर को फॉलो करते हैं, तो ये जो मल्हार राव रहते हैं ये सदाशिव को बोलते हैं कि हमें अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस से एकदम डायरेक्टली जाके बैटल नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे भी क्या करना चाहिए, हमें गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, हमें उस अपना जो है उस जो हमारी जिसमें हमारी कमांड है, हमें उसी टैक्टिक को फॉलो करना चाहिए। तो सदाशिव जो रहते हैं वो इनको इनकी जो बात रहती है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और बोलते हैं कि मतलब इन शॉर्ट वो ये बोल देते हैं कि आप मुझे मत बताओ, मुझे मेरा काम आता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये इनको बेकार लग जाती है, बिकॉज ये जो है ये जान रहे होते हैं कि मराठास की जो स्ट्रेंथ है वो गुरिल्ला वॉरफेयर ही है, और उनके जो सोल्जर्स हैं वो भी इसी तरीके से ट्रेंड हैं, उनके सोल्जर्स इस तरीके से ट्रेंड नहीं है कि वो आमने सामने जाके बैटल कर सकें। इनको ये बात समझ में आ जाती है, किसको, मल्हार राव होलकर वन को, तो इनको लगता है कि यहाँ पे जो रुकना है वो ठीक नहीं होगा, और वैसे ही ये मेरे को ह्यूमिलिएट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि छोटी रियासत के हो आप छोटी कास्ट के हो, इस टाइप से करके ये कौन सदाशिव जो रहते हैं इनको बार बार बोलते रहते हैं। और इनकी जो अब खासतौर से, चलिए आपने इनको कॉमेंट किया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ये एक आपके काम की बात बोल रहे हैं कि आपको वन टू वन फाइट नहीं करनी चाहिए, आपको गोरिल्ला वॉरफेयर जो है वो फॉलो करना चाहिए, आप वो भी नहीं सुन रहे हो, तो अब इनको तो मालूम है ना कि ये अब जाएंगे कौन, सदाशिव की आर्मी जो है अब इनकी हार होने वाली है, तो ये सोचते हैं कि इस बैटल को ना लड़ना ही मेरे लिए बेटर है, और ये क्या करते हैं, ये वापस आ जाते हैं इंदौर में। मतलब ये गए रहते हैं बैटल ऑफ पानीपत में फाइट करने के लिए, लेकिन अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस जो रहते हैं इनके सदाशिव के साथ, सदाशिव राव के साथ, उसकी वजह से ये लौट आते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि शायद इसी वजह से बच जाते हैं और ये डायनेस्टी आगे बढ़ती है, ठीक है।
इनके बाद इनके बेटे होते हैं कौन, खंडेराव होलकर, खंडेराव वन होलकर। किसके बेटे रहते हैं, मल्हार राव होलकर के, जो कि फाउंडर रहते हैं किसके, सिंधिया डायनेस्टी के। जो खंडेराव होलकर रहते हैं इनकी जो मैरिज हुई रहती है वो किससे हुई रहती है, वो अहिल्याबाई होलकर से हुई रहती है। ठीक है, अब आप ये देखिए, मल्हार राव होलकर हैं, इनका बेटा कौन है, खंडेराव, खंडेराव की शादी किससे हुई है, अहिल्याबाई से। इनके क्या होंगे, दो इनके आप ये बोल सकते हो कि दो इनके बच्चे होंगे, जिसमें कि डॉटर जो रहती है उसका नाम रहता है मुक्ताबाई, और जो सन रहता है उसका नाम रहता है मालेराव। इनकी डेथ हो जाएगी, खंडेराव की डेथ हो जाएगी, तो मल्हार राव के बाद डिफेक्टो रूलर कौन बनेगा, अहिल्याबाई बनेगी। अहिल्याबाई के बाद क्या होगा कि मुक्ताबाई की शादी किससे हुई रहती है, उनका नाम आप आगे जानोगे, यशवंत रहता है उनका नाम। फिर उसके बाद ये बनेंगे, लेकिन बीच में फिर अहिल्याबाई के बाद त्रिपोजी भी आते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा जो फैमिली ट्री है और जो सक्सेशन है वो आपका फॉलो होगा। तो खंडेराव जो रहते हैं, ये जो रहते हैं, इनकी ये रहते हैं सन किसके, मल्हार राव होलकर के। इनकी शादी किससे हुई रहती है, किससे मैरिज हुई रहती है, इनकी अहिल्याबाई होलकर से मैरिज हुई रहती है। और इनका एक बेटा रहता है मालेराव नाम का, और एक बेटी रहती है मुक्ताबाई नाम की। इनकी जो डेथ है ये बहुत ही यंग एज में हो जाती है, जब ये बैटल ऑफ कुंभेर जो है वो फाइट कर रहे होते हैं, 1754 का जो टाइम रहता है उसी टाइम पर इनकी डेथ हो जाती है। अब आप देखिए, जो मल्हार राव है वो अभी भी रूल कर रहे हैं, 1766 तक वो रूल करते रहेंगे। ठीक है, इसी बीच अभी ये गद्दी पर नहीं बैठे हैं कौन, खंडेराव जो है वो पूरी गद्दी पर बैठे नहीं है, और उनकी हो जाएगी डेथ। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी जो वाइफ हैं अहिल्याबाई होलकर, इनके जो फादर इन लॉ रहते हैं, मतलब कि मल्हार राव होलकर, वो क्या करते हैं, वो उनको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर्स में, किसके, होलकर स्टेट के। होलकर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अफेयर्स में इनको ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करते हैं, और देखते हैं कि, और इनका जो इंट्रोडक्शन रहता है वो गलत नहीं रहता है, बिकॉज ये आगे जाके बहुत ही ब्रिलियंटली परफॉर्म करती हैं उनके गाइडेंस में, किसके, अपने फादर इन लॉ के गाइडेंस में, उनकी मेंटोरशिप में। ठीक है, खंडेराव होलकर के बारे में बहुत से बहुत आ सकता है, तो 3 मार्कर आ सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा। तो आपको सिंपल बस ये लिखना है कि ये सन ऑफ मल्हार राव होलकर थे, देवी अहिल्याबाई होलकर के हस्बैंड थे, और बहुत ही यंग एज में 1754 के टाइम में ही इनकी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ कुंभेर को फाइट करते हुए। अब इसके बाद आते हैं मालेराव होलकर, खंडेराव के, यहाँ मैंने बताया खंडेराव के बेटे हैं मालेराव होलकर। अब 1766 का टाइम है, इस टाइम पे क्या होता है कि इनको ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो हैं ये अब राजा होंगे, कौन, मालेराव होलकर, भले ही ये छोटे हैं तो इनको डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये कौन होते हैं, ये ग्रैंडसन होते हैं किसके, मल्हार राव होलकर वन के, और ये डिक्लेयर कर दिए जाते हैं रूलर ऑफ होलकर स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ खंडेराव इन 1754 में। अब ये देखिए, यहाँ पे डेथ हो चुकी है खंडेराव की, पहले ही हो चुकी है, इसीलिए ये बनाए जाते हैं कौन, मालेराव होलकर, नहीं तो यहाँ पे कौन होता, खंडेराव होते, अगर खंडेराव जिंदा होते तो फिर वो बनते। ठीक है, लेकिन इनके साथ भी क्या ट्रेजेडी होती है, ये भी बहुत छोटे रहते हैं और तभी इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ये जो चीज रहती है, इसकी वजह से क्या होता है कि अहिल्याबाई होलकर जो रहती हैं, अब उन्हें फुल फ्लेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उनका फुल फ्लेज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में अब इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है, किसका, अहिल्याबाई होलकर का। तो अब हम अहिल्याबाई होलकर को पढ़ेंगे। अहिल्याबाई होलकर जो रहती हैं, वो क्या रहती हैं, मराठा क्वीन रहती हैं, किसकी, होलकर स्टेट की, और कहाँ रूल किया रहता है उन्होंने, उन्होंने मालवा किंगडम को रूल किया रहता है। उनका जन्म कब होता है, वो कब बॉर्न हुई रहती हैं, वो 1725 में एक चवंडी नाम का विलेज रहता है जामखेड़ अहमदनगर महाराष्ट्र में।
वहां पे इनका जन्म हुआ रहता है, वहां पे ये बॉर्न हुई रहती हैं, कौन, अहिल्याबाई होलकर 1725 में, कहां पे, चवंडी विलेज में। अब इनके जो फादर रहते हैं वो क्या, उनका नाम रहता है मनकोजी शिंदे, और वो जो रहते हैं वो धनगर कम्युनिटी के ही रहते हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि ये ओरिजिनली ये लोग कौन है, ये धनगर कम्युनिटी के ही लोग हैं, है ना। और ये क्या कर रहे होते हैं, ये पाटिल होते हैं गांव के, मतलब आप ये वो समझ सकते हैं कि एक तरीके से हेड जो होता है विलेज का, जो हेड होता है उसको पाटिल कहा जाता है। तो जो ये मनकोजी शिंदे जो रहते हैं, जो कि अहिल्याबाई के फादर रहते हैं, ये क्या रहते हैं, ये पाटिल रहते हैं किसके, चवंडी गांव के, चवंडी विलेज जो रहता है उसके, ठीक है। अब ये जो रहते हैं मनकोजी, ये क्या करते हैं, अपनी डॉटर को शुरू से ही ये घर पर ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कौन, मनकोजी अहिल्याबाई होलकर को घर पर ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उनको शिक्षा दिलवाते हैं। अब एक टाइम की बात क्या होती है कि मल्हार राव होलकर जो रहते हैं, मल्हार राव होलकर कौन है, अब उस समय आप ये समझ जाइए कि ये सूबेदार हैं मालवा के। अब ये अपनी टेरिटरीज में कहीं ना कहीं विजिट को जाते हैं, ये बाहर भी विजिट को जाते हैं। तो अब ये एक बार क्या होते हैं कि ये इस विलेज को विजिट करते हैं, किसको, जामखेड़ को, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं अहिल्या की सिंप्लिसिटी देखकर, और इनका जो ये इम्प्रेशन रहता है, मतलब इनकी जो ये लाइकिंग रहती है, ये इतनी ज्यादा रहती है कि ये सोचते हैं कि क्यों ना इनका जो मैरिज है वो करवा दिया जाए अपने जो सन है खंडेराव होलकर उनके साथ। तो मल्हार राव होलकर जो कि कब, उस टाइम पर क्या रहते हैं, वो देन सर्व्ड अंडर द पेशवा बाजीराव आर्मी एज कमांडर, मतलब कि सूबेदार, है ना, वॉज वेरी इम्प्रेस्ड By Ahilya's simplicity and he soon married his son Khanderao to her. इतनी ज्यादा ये उनको पसंद आ जाती है, मतलब इनकी simplicity जो रहती है वो मल्हार राव होलकर को इतनी अच्छी लगती है, उनको लगता है कि यही appropriate daughter in law है मेरे लिए, और ये क्या करते हैं, अपने son की शादी कर देते हैं इनके साथ। अब 1754 में जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है कि खंडेराव होलकर जो रहते हैं वो, उनकी हो जाती है डेथ, किसमें, बैटल ऑफ कुम्हेर में, बैटल ऑफ कुम्हेर लड़ते लड़ते डेथ हो गई है अब खंडेराव होलकर की। अब इस इवेंट के बाद क्या होता है, अब देखिए जो है इनका बेबी है वो तो छोटा ही है एक तरीके से उस टाइम पर भी, तो जो माले राव है उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, माले राव जो है उनकी बात हो रही है, माले राव होते हैं वो बहुत, और वो बहुत कम एज में ही उनकी डेथ हो गई रहती है, ठीक है। तो अब इस टाइम पर क्या रहता है कि जो इनके ससुर रहते हैं, मतलब कि मल्हार राव होलकर जो रहते हैं, वो अहिल्याबाई होलकर को एडमिनिस्ट्रेशन में धीरे धीरे, मतलब वो उनका इंट्रोडक्शन कराने लगते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 12 इयर्स के बाद मल्हार राव होलकर की भी डेथ हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे 66 तक 1754 में क्या होता है, डेथ हो चुकी है किसकी, खंडेराव की, और अब ये 1766 तक क्या होगा कि ये जो है मल्हार राव ही रूल कर रहे होंगे, लेकिन ये साथ में अहिल्याबाई को लिए हुए हैं, ये इनको एडमिनिस्ट्रेशन की सब टैक्टिक्स वगैरह सिखा रहे हैं, पूरा उनको आप ये बोल सकते हो कि ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जब इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि माले राव तो पहले ही मर चुके हैं, अब जब मल्हार राव की भी डेथ हो जाएगी तो अहिल्याबाई जो है वो फुल फ्लेज्ड रूलर बन जाएंगी। तो यही होता है 12 इयर्स के बाद, मतलब इस इवेंट के 12 इयर्स के बाद, 1754 के 12 इयर्स के बाद क्या होता है, मल्हार राव होलकर की भी डेथ हो जाएगी। तो फिर अब क्या होगा, अहिल्याबाई होलकर जो हैं वो पूरी पूरे जो स्टेट है उसकी कमांड अपने हाथों में ले लेंगी, और वो क्या बन जाएंगी, क्वीन ऑफ मालवा किंगडम बन जाएंगी, कौन, अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। अब जो अहिल्याबाई होलकर थी वो क्या थी, शी वॉज अ वुमन ऑफ प्रोफाउंड विजडम और एक्सट्रीम पिटी, बहुत ही ज्यादा दया भाव रखने वाली महिला थी वो, और उनके पास जो आप ये बोल सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी थी, मतलब शासन करने की जो उनकी कार्य क्षमता थी वो बहुत ज्यादा थी, वो बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर थी अहिल्याबाई होलकर। और यही सारे ट्रेट्स जो थे ना वो बचपन में ही, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इनके जो फादर इन लॉ थे मल्हार राव होलकर जो थे, इनकी इनके ट्रेट्स जो थे, इनकी क्वालिटीज जो थी, वो इनको बचपन में ही समझ में आ गई थी कि ये बहुत ही समझदार महिला है, तो महिला है, मतलब अभी छोटी है बच्ची, लेकिन जब ये महिला बनेंगी तो ये बहुत ही समझदार बनेंगी, तो इसीलिए इन्होंने इनको अपने डॉटर इन लॉ के रूप में चूज किया था। अब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना ज्यादा अच्छा था कि ये मॉडल रूलर आप इनको एक तरीके से बोल सकते हो, और इनके रूलिंग टाइम को गोल्डन रूल भी बोला जाता है, गोल्डन मतलब गोल्डन पीरियड बोला जाता है होलकर्स का, किसके रूल को, अहिल्याबाई होलकर के रूलिंग पीरियड को क्या बोला जाता है,
मॉडल, एक तो इनको मॉडल रूलर बोला जाता है, और इनके रूलिंग पीरियड को भी क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है होल्कर्स का, ठीक है। अब जो अहिल्याबाई होल्कर थी, उनका जो असिस्टेंट थे, उनके जो आप ये बोलते थे उनके जो मिलिट्री कमांडर थे, वो जो उनको असिस्ट करते थे, वो कौन करते थे, वो तुकोजीराव होल्कर वन जो थे वो करते थे। अब अहिल्याबाई होल्कर के बाद यही आपके होल्कर स्टेट के हेड बनेंगे, कौन, तुकोजीराव होल्कर, ठीक है। जो ये, हेलो आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। आप लोग 5 मिनट्स होल्ड करिएगा, यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ, कोई भी मीटिंग लीव नहीं करेगा, ठीक है। वॉइस आ रही है आप लोगों को? वॉइस आ रही है? आ रही है मैम। और स्क्रीन दिख रही है? नहीं मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं। अभी दिख रही है? यस मैम। स्क्रीन दिखने लगी, वॉइस आने लगी? कंटिन्यू करें। हाँ जी मैम। हाँ, अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम अहिल्याबाई होल्कर को पढ़ रहे थे। हमने ये देखा कि इनके आर्मी कमांडर जो बनते हैं, इनके जो सेनापति रहते हैं इनके टाइम पे, वो कौन रहते हैं, वो तुकोजीराव होल्कर रहते हैं, जो कि इनके बाद के होल्कर स्टेट के हेड भी बनेंगे 1795 से लेकर 1797 तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये बहुत ही अच्छी, आप ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी वॉरियर भी थी और एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थी, तो इन्होंने अपने किंगडम को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। किससे? उस टाइम पे गोंड्स और भील की बहुत लूटपाट चलती होती है, गोंड्स और भील्स की बहुत ज्यादा क्या चल रही होती है, प्लंडरिंग चल रही होती है, तो ये क्या करती हैं, उनसे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करती हैं। और साथ में ही जो आसपास के जो मुस्लिम इन्वेडर्स रहते हैं उस टाइम के,
उनसे भी अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करती हैं। इनके टाइम पर एक लैंडमार्क इवेंट जो होता है वो ये होता है कि ये अपनी जो कैपिटल रहती है उसको महेश्वर शिफ्ट कर देती हैं। महेश्वर कहाँ रहता है? रिवर नर्मदा के पास के बैंक पर एक सिटी रहती है, वहां पे ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देती हैं। और वहां पे एक बहुत बड़ा फोर्ट जो रहता है, अहिल्या फोर्ट, जो कि मराठा आर्किटेक्चर का एक, आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही शानदार नमूना माना जा सकता है, वहां पे ये उस फोर्ट का जो है कंस्ट्रक्शन करवाती हैं, अहिल्या फोर्ट का। अभी ये जो है ये भी एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। आज की डेट में ये खरगोन में आता है आपका वैसे, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो रहती हैं ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर देती हैं कहाँ, महेश्वर में, और वहां पे ये अपने लिए एक अहिल्या फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाएंगी, है ना। और ये जो इनकी कैपिटल रहती है महेश्वर, ये जो रहती है ये एक इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बन जाती है। और यहाँ का जो सबसे ज्यादा खासियत रहती है, जो जिस चीज के लिए ये फेमस रहती है, वो क्या रहता है, ये टेक्सटाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहती है। क्या फेमस, कौन फेमस रहता है? जो महेश्वर सिटी रहती है वो टेक्सटाइल के लिए फेमस रहती है। अहिल्या बाई जो रहती हैं वो बहुत ही प्रोलिफिक बिल्डर रहती हैं, और ये बहुत ज्यादा पैटर्न रहती हैं किसकी, हिंदू टेम्पल्स बनाने की, है ना। और ये महेश्वर में, इंदौर में, इन्होंने इनफैक्ट इन्होंने इतना सब कुछ बनवाया है कि उसके इनके आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन को कवर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम जब भी इनका नाम आएगा तो हम यही बोलेंगे कि ये प्रोलिफिक बिल्डर थी। अगर हम 1-to-1 जाके इनका आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन कवर करने लगे तो आप समझो कि बहुत सारी साइट्स हो जाएंगी, इन्होंने इतना सब कुछ बनवाया है। बिकॉज इन्होंने सिर्फ अपने किंगडम में, मतलब मालवा में ही नहीं बनवाया, इन्होंने ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया कंस्ट्रक्शन करवाया है। और इनका जो मोटिव रहता था, इनका मोटिव हमेशा जो रहता था वो पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज रहता था। और उसी से रिलेटेड इन्होंने बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करवाया है, किसने, अहिल्या बाई होलकर ने। अब इन्होंने बहुत सारे टेंपल्स जो हैं उनका कंस्ट्रक्शन करवाया। इन्होंने बहुत सारे टेंपल्स जो बनवाए वो सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने किंगडम में ही बनवाए, उन्होंने अपने किंगडम के बाहर भी बनवाए। अब आप ये सोच लो कि इन्होंने वेस्ट में, मतलब द्वारका जो है गुजरात में, वहां से लेकर काशी तक जो है वहां तक इन्होंने बहुत कुछ बनवाया है, ठीक है। ये ईस्ट यहाँ पे क्यों लिखा है पता नहीं। फ्रॉम द्वारका इन गुजरात टू काशी विश्वनाथ टेम्पल, यहाँ तक इन्होंने मतलब सब कुछ बनवाया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो आज हम देखते हैं 1777 के टाइम का जो बना हुआ है, उस टाइम का इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था वाराणसी में गंगा नदी के किनारे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पेट्रोनेज दी इन्होंने अपने दरबार में रखा। किसको रखा? मोरपंत नाम के एक फेमस मराठी पोएट हुआ करते थे, वो इनके दरबार में, इनके किसके, रानी अहिल्या बाई के दरबार में रहते थे। और उसके साथ ही एक खुशाली राम नाम के एक संस्कृत स्कॉलर होते थे, खुशाली राम नाम के एक संस्कृत स्कॉलर होते थे जिनको पेट्रोनेज दी थी, किसने, अहिल्या बाई होलकर ने अपने दरबार में। रानी जो कि अपने को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझती थी अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, तो ये क्या करती थी, जो भी मनी आता था, पब्लिक मनी जो आता था, उसको बहुत ही वाइजली स्पेंड करती थी, बहुत सोच समझ के उसको स्पेंड करती थी। और ज्यादातर वो उसका जो उसको जो यूटिलाइज करती थी वो किस में करती थी, वो कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स में करती थी, टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में, धर्मशाला के कंस्ट्रक्शन में, बेल्स रोड्स, मतलब ऐसा कुछ जो उनकी प्रजा के काम आए, वो उसमें विश्वास करती थी कि हमें इन सब ऐसी चीजों का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए जो हमारी प्रजा के काम आए, ठीक है। अब ये जो थी, ये चाहती थी कि बिजनेस भी बहुत फ्लरिश हो इनके रीजन में, तो इन्होंने क्या किया कि ये सपोर्ट करती थी कि किसको, मर्चेंट्स को, फार्मर्स, मैम आवाज नहीं आ रही है,
स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। अब दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? है मैम, अब दिख रहा है। तो रानी जो थी, रानी आल्सो सपोर्टेड द राइज ऑफ मर्चेंट्स, फार्मर्स एंड कल्टीवेटर्स टू द लेवल ऑफ अफ्लुएंस एंड डिड नॉट कंसिडर that she had any legitimate claim to their wealth, be it through taxes or feudal rights. अब आप देखिए, she was great advocate of women's right to study and for property. ये क्या मानती थी कि महिलाओं, ये मानती थी कि महिला का सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अब जिस टाइम की ये बात हो रही है, उस टाइम पे वुमेन्स को जो स्कूल भेजने वाली चीज होती थी उसको ठीक नहीं माना जाता था, लोग वुमेन्स को स्कूल नहीं भेजते थे. तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी जो प्रजा थी, जो अपने सब्जेक्ट्स थे, उनको ये बोला कि ठीक है, अगर आप इनको स्कूल नहीं भेजना चाहते हो कि ये स्कूल में जाके स्टडी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट क्या बोला इन्होंने कि ठीक है, अगर आप इनको स्कूल नहीं भेज सकते हो, उस चीज को हम समझते हैं, लेकिन आप ऐसा करिए कि जो भी आपकी बच्चियां हैं, जो भी आपकी डॉटर्स हैं, उनको आप अपने घर पर ही एजुकेट करिए, उनको शिक्षित बनाइए. बिकॉज चूंकि ये खुद क्या थी, ये एजुकेटेड थी और ये थॉट्स से मॉडर्न थी, ये वुमेन्स के राइट्स को समझती थी, तो ये समझती थी कि अगर ये खुद पढ़ी लिखी नहीं होती, ये एजुकेटेड नहीं होती, तो क्या ये इतना एफिशिएंट रूल कर पाती? ये नहीं कर पाती इतना एफिशिएंट रूल. तो ये इस चीज की जो एजुकेशन है, जो ये वुमेन एजुकेशन है, इसकी ये इम्पोर्टेंस समझती थी. कौन समझता था? रानी अहिल्याबाई. रानी अहिल्याबाई होलकर जो थी वो वुमेन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बहुत ज्यादा समझती थी. इसीलिए ये क्या अपने जो सब्जेक्ट्स थे, अपने जो पॉपुलेशन थी जो इनके कंट्रोल में थी, उसको क्या करती थी, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी कि आप ऐसा करिए कि ठीक है, आप अपनी डॉटर्स को स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा करिए कि एटलीस्ट एजुकेट देम एट होम, आप उनको घर पर ही शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करवाइए. उसके बाद एक चीज और थी कि उस टाइम पर एक ऐसा, आप ये बोल लीजिए कि एक ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि अगर कोई वुमन है और वो क्या हो जाती है, विडो हो जाती है. या तो वो विडो हो जाती है या फिर, और साथ में ही उसके साथ एक और कंडीशन ये कि उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होते हैं. मतलब ये वुमेन जो है ये अकेली वुमेन है, ठीक है. तो ऐसे में क्या होता था, इस टाइम पर एक प्रैक्टिस हुई वहां पे होती थी, इनके रूल में, इनके स्टेट में एक प्रैक्टिस होती थी जिसमें क्या रहता था कि जो भी सारी प्रॉपर्टी रहती थी, जो किसको बिलोंग करती थी, वुमेन को, उस प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाता था कि जो स्टेट रहता था वो फोरफीट कर लेता था, उसका क्या होता था, फोरफीचर हो जाता था. किसका? अगर कोई ऐसी वुमेन है जो कि विडो हो चुकी है और उसके आगे उसके कोई बच्चे नहीं है, कोई चिल्ड्रन नहीं है, मतलब कि कोई अकेली महिला है, ठीक है, तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी रहती थी उसको स्टेट फोरफीट कर लेता था, मतलब कि राजसात कर लिया जाता था. अब इससे क्या होता था, अब आप ये देखिए, अगर ये वुमेन, एक तो ये वैसे ही पहले ही बेचारी अकेली है, ठीक है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, अब अगर इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपने ले ली, वो भी क्या चली गई, वो स्टेट के पास चली गई, तो उससे होगा क्या, ये फाइनेंशियली एकदम वल्नरेबल हो जाएगी, इसका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो नहीं रह जाएगा,
इसके सब्सिस्टेंस की भी प्रॉब्लम आएगी। फाइनेंशियली इसका कोई भी सपोर्ट नहीं रह जाएगा, इसके सब्सिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिपेंड होना पड़ेगा दूसरे लोगों पर, ठीक है। और जो दूसरे लोगों पर जब इसको डिपेंड होना पड़ेगा, तो ये अब क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा, एक आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन बन गई है। अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, उस चीज के लिए हरेस करना चाहता है, ऐसी चीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक सिचुएशन यहाँ पे बन जाती थी इस प्रैक्टिस की वजह से, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई विडो है और उसके कोई भी आगे चिल्ड्रन नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर ली जाती थी। तो अहिल्या बाई होलकर जो थी, जो रानी अहिल्या बाई होलकर थी, उनको ये चीज समझ में आई, उनको समझ में आया कि ये जो प्रैक्टिस है इसको बंद करवाना चाहिए, ये जो चीज है कि किसी की प्रॉपर्टी फोरफिट कर लेना चाहिए, कर ली जाती है, ये एक गलत प्रैक्टिस है, और इसके लिए वो क्या करती हैं, वो इस प्रैक्टिस का एंड कर देती हैं, इसको अबॉलिश कर देती हैं। बोलती हैं कि कोई भी विडोवर, कोई भी विडो है अगर, तो भले ही उसके चिल्ड्रन हैं या नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी ही रहेगी। और अब ये उसकी अपनी डिसीजन होगा, किसका, उस विडो का अपना डिसीजन होगा कि ये उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करती है। अगर वो अपनी मर्जी से इसको दान करना चाहती है, चैरिटी करना चाहती है, तो वो कर सकती है, और अगर वो इसका इसको मतलब अपने पास रख के इसको यूटिलाइज करना चाहती है, तो वो भी कर सकती है। बेसिकली इन सब के पीछे रीजन क्या था, आप ये देखिए, इसके पीछे ये प्रैक्टिस के पीछे ये प्रैक्टिस है क्यों, कि ऐसा क्यों कि उसकी प्रॉपर्टी आपने सीज कर ली। वो तो पहले ही अकेले उसकी प्रॉपर्टी सीज करके स्टेट को क्या मिलेगा। अब आप ये समझिए, उस टाइम की जो सोशल कंडीशंस थी, उससे ये आपको सिंपली इम्प्लाई हो रहा है इन सब चीजों को देखकर कि कोई विडो है तो उसे एक जो आप बोल सकते हो कि लग्जरियस लाइफ जीने का अधिकार नहीं है, लग्जरियस लाइफ जीने का जो राइट होता है वो उस विडो से छीन लिया जा रहा है। और ये मीन्स है, इस ये जो मीन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये उस लाइफ को, लग्जरियस लाइफ को जीने का एक मीन्स हो सकती है, उसको लिव करने का एक मीन्स हो सकती है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि ये एक प्रथा निकाल दी गई कि इनकी प्रॉपर्टी ले लो तो ये एकदम सादा जीवन जिएंगे, जो जो उस समय एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर्स माने जाते थे विडोज के लिए, ये वो सारे बिहेवियर्स जो हैं वो ये फॉलो कर लेंगी। लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर जो रहती हैं, वो क्या करती हैं कि वो इस जो प्रैक्टिस रहती है इसको वो खत्म कर देती हैं। इसके साथ ही एक चीज और रहती है कि रानी जो रहती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने उसमें, अपने जो स्टेट रहता है उसमें बहुत अच्छा एक आप ये बोल सकते हो कि पीस और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करती हैं, पीस एंड सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करती हैं। और इसमें जो इसमें एक जो नाम आता है वो होता है यशवंत राव होलकर का। जो कि इनके सन इन लॉ रहते हैं, मुक्ता बाई के हस्बैंड रहते हैं, वो एक बहुत ही की रोल प्ले करते हैं इनके इसमें, इसमें स्टेट में पीस और सिक्योरिटी जो रहती है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। और ये साथ में ही क्या करती हैं, ये अपने जो स्टेट रहता है उसको डिफेंड भी करती हैं, जो नेबरिंग रहते हैं, जो टेरिटरीज रहती हैं उनसे भी, और साथ में जो घर के लोग रहते हैं उनसे भी ये अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करते हैं। तो इसमें एक स्टोरी आपको और सुनने को मिलती है कि एक जो राघोजी रहते हैं इनके टाइम पर, इनके एक डिस्टेंट रिलेटिव रहते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो वुमेन है, ये वुमेन होके ये क्या ही रूल करेंगी, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस स्टेट पर अटैक कर दिया जाए, किस पे, होलकर स्टेट पे अटैक कर लिया जाए और इसको सीज कर लिया जाए, अपने अंडर में ले लिया जाए। तो अब वैसे तो ये खुद भी बहुत एबल रहती हैं बैटल को डिफेंड करने के लिए, और साथ में इनको तुकोजी राव वन का साथ भी रहता है, लेकिन इनको क्या रहता है कि इनको इनकी कॉन्स्पिरेसी का पता चल जाता है। तो ये इनको बोलती हैं कि ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगी कि आप, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे स्टेट पर अटैक करें तो आप कर लीजिए, लेकिन आप ये एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि अगर आप हार जाते हैं तो फिर आपका क्या होगा। बिकॉज आप ये सोचकर
अटैक करोगे कि यहाँ पे एक महिला रूल कर रही है, एक वुमेन रूल कर रही है, लेकिन अब अगर आप उसी महिला से हार जाओगे तो फिर आपका क्या मतलब स्टेटस रह जाएगा पूरी कम्युनिटी में, आप उस चीज को एक बार सोच लीजिएगा। और ये जब ये बात ये बोलती हैं इनको, तो ये जो रहते हैं ये अपना जो आइडिया रहता है इनको अटैक करने का, ये क्या करते हैं इनको ड्रॉ देते हैं, उनको लगता है कि ठीक है अगर अटैक ना किया जाए तो वही बेटर होगा। अब आपने क्या क्या देख लिया कि अहिल्या बाई होलकर जो है ये बहुत ही मतलब प्रोलिफिक बिल्डर थी, आपने इनकी पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज देखनी, आपने ये देख लिया कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क किया, अपने स्टेट में इन्होंने पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत काम किया, ठीक है। अब इतना सब कुछ इन्होंने काम किया, इसकी वजह से क्या हुए, क्या है इनका जो रूल है वो गोल्डन पीरियड कहला रहा है, इनको मॉडल रूलर की तरह देखा जा रहा है। अब ये जो है इन्होंने इनफैक्ट इतनी ज्यादा ये अपनी प्रजा के प्रति आप ये बोल सकते हैं कि इतनी ज्यादा ये डिवोटेड थी, तो इन्हों ये तक कर देती हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट दरबार हॉल में आके रानी माँ को जो है वो अप्रोच कर सकता है, उसको वेरियस जो नीचे की सबऑर्डिनेट अथॉरिटी हैं उनसे पास होने की जरूरत नहीं होगी। तो अब इस इन सब से जो इनकी जो छवि बनेगी, जो इनकी एक इमेज बनेगी अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच, वो इनको क्या मानेंगे, वो इनको देवी मानेंगे, मतलब वो इनको एक ऐसी एक ऐसा इनको स्टेटस देंगे, इनको एक इस रूप में देखेंगे कि ये जो हैं ये देवी हैं, मतलब इनके कामों की वजह से, आप इसको उस सेंस में मत, अलग सेंस में मत लीजिएगा कि ये जो हैं इनको देवी की एक उपाधि दे दी जाती है इनकी प्रजा के द्वारा, बिकॉज ये इतनी मतलब इतनी ये दयावान रहती हैं, इतनी ज्यादा लोगों को समझती हैं, लोगों के लिए इतना ज्यादा काम करती हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि लोग इनको पहले तो ये वो रहती हैं रानी अहिल्याबाई होलकर रहती हैं, जब ये बनती हैं तब इनको लोग क्या बोलते हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर, लेकिन जब ये इतना अच्छा काम करती हैं अपने रूल के टाइम पे और अपनी प्रजा का इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं तो फिर इनका नाम क्या हो जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर। अब ये देवी जो लगा है, ये जो इन्होंने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया है अपने रूलिंग पीरियड में, उसकी वजह से इनके नाम के आगे क्या लग गया है, देवी लग गया है। अब इनकी लिगेसी भी देख लेते हैं हम, पहले देख लीजिए इनकी डेथ, इनकी डेथ होती है 1795 में, इनकी डेथ हो जाती है, जो इनकी ग्लोरियस रीन रहती है, मतलब जो इनका ग्लोरियस शासन काल रहता है उस पे फुल स्टॉप लग जाता है, कब, 1795 में, जब अहिल्याबाई होलकर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनकी लिगेसी देख लेते हैं, बिकॉज अब देखिए ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ये इतनी प्रोमिनेंट रूलर थी होलकर स्टेट की, होलकर डायनेस्टी की, तो अब इनके याद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ ना कुछ करेगी ही। तो सबसे पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो है वो इनके ऑनर में इशू करती है, कब इशू करती है, 25 अगस्त 1996 को, जब अहिल्याबाई होलकर शुरू हुई थी। तो ये देखिए ये जो स्टैम्प आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1996, ये कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, इशू किया हुआ है, किसकी मेमोरी में, अहिल्याबाई होलकर की मेमोरी में, कब इशू किया था, 1996 के टाइम पर इशू किया गया है ना। और साथ में क्या है, स्टैम्प का यूज क्या रहता है, मतलब ये क्यों इशू करते हैं इस तरह का स्टैम्प गवर्नमेंट, इसको मुझे आपको अलग से बताना पड़ेगा पूरा, पहले के कंटेक्स्ट में बहुत यूज होता था। अब फॉर एन एग्जांपल कोई भी जो स्टैम्प रहता है, जब आप कोई चीज पोस्ट करते हो तो उसपे उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, या किसी लीगल वर्क जो रहता है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है कि इस चीज को लीगलाइज करने के लिए इस पे इस पर्टिकुलर अमाउंट का जो स्टैंप है वो लगना जरूरी होता है। ये मतलब ये एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में
आप अगर इसको लो तो आप उस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब आप जब अगर थोड़ा और अपने पेरेंट्स के टाइम पर जाएंगे, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो उनसे भी आप जब पूछेंगे कि जब हम लेटर भेजते थे तो हमें क्या किसी स्टैंप को लगाने की जरूरत होती थी, तो वो बताएंगे कि जब लेटर जाता था तो आपकी रिक्वायरमेंट रहती थी उस जो लेटर है वो कहाँ पे जा रहा है उसके डिस्टेंस के हिसाब से उस पे उतने रुपीज का स्टैंप जो है वो खरीद करके लगाया जाता था, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो जाता था कि मतलब इसको भेजने के लिए एक तो पेमेंट करी जा चुकी है और ये इसका वेटेज क्या है वो भी इससे आइडेंटिफाई हो जाता था। और आज की डेट में भी आपने रेवेन्यू स्टैंप वगैरह सुने होंगे, ये सब जो रहते हैं इनका भी यूज होता है लीगल मैटर्स में। उसको मतलब एज अ पेमेंट भी आप बोल सकते हो और साथ में उसको लीगलाइज करने के लिए, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करने के लिए भी यूज होता है। ये मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, टेक्निकल होके नहीं बता रही हूँ, बिकॉज अगर टेक्निकल आप उसमें जाओगे तो आपको फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आपको हल्का हल्का समझ में आ गया? हाँ, और कॉइन का भी बता दीजिए मैम, कॉइन क्यों इशू करते हैं? कॉइंस, कोमेमोरेटिव कॉइंस, तो देखिए पहली बात कोमेमोरेटिव कॉइंस जो रहते हैं वो एज सच ऐसे अगर बड़े डोमिनियंस के हैं, डोमिनेशंस के हैं, तो वो चलन में नहीं रहते हैं, वो भी बस क्या है कि एक ऑनर करने के लिए वो इशू करे जाते हैं। ठीक है, अभी आप जैसे देखेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, उस टाइम पर भी एक जो इस्कॉन के जो फाउंडर थे उनकी मेमोरी में कॉइन जो है वो इशू किया गया है। ठीक है, ये भी क्या रहता है, ये बस एक कोमेमोरेटिव कॉइन तो है, क्या है कि एक मतलब वे ऑफ गिविंग ऑनर है, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसका, उसके लिए वो ऑनर उसको दिया जाता है और ये रख लिए जाते हैं, ये चलन में बहुत कम आते हैं। अब आप कहीं ढूंढने जाओ कि 250 का सिक्का बताओ या 100 रुपए का सिक्का मेरे को दिखाओ, या आप किसी से उसमें जाओ, तो वो आपके चलन में नहीं आएगा, वो सिर्फ RBI इशू करता है उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी खास पर्पस के लिए या किसी खास पर्सन को ऑनर करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहती है वो एक कोमेमोरेटिव स्टैंप जो है इनके इनको ऑनर करने के लिए इशू करती है, कब? 25th of August 1996 को। अब इंदौर, इसके बाद क्या है, एक और चीज जो है, जो इंदौर एयरपोर्ट है वो भी इनके नाम पर रखा गया है, उसका नाम क्या कर दिया गया है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। किसका? इंदौर एयरपोर्ट का। और साथ में ही पहले जो इंदौर यूनिवर्सिटी थी जिसको फाउंड किया गया था 1964 में, उसको भी इनके ऑनर में क्या नाम रख दिया गया है, उसका देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी उसका नाम जो है वो रखा गया है, है ना। अब साथ में ही क्या है कि अब इन्होंने इतना अच्छा अच्छा काम किया हुआ है, तो क्या होता है कि 1996 में जो लीडिंग सिटीजन्स रहते हैं इंदौर के, जो मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो सम्मानजनक लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इनके नाम पे एक अवार्ड का इंस्टीट्यूशन कर देते हैं, अवार्ड को बना देते हैं। ठीक है, और वो क्या दिया जाएगा, वो अवार्ड ऐसी किसी पब्लिक फिगर को दिया जाएगा जिसने कि कोई आउटस्टैंडिंग वर्क किया हो पब्लिक वेलफेयर में, है ना। तो ये अवार्ड कब, 1996 में ये बना दिया जाता है, और इसका ये जो पहला अवार्ड जो दिया गया है ये नानाजी देशमुख को दिया गया है उस टाइम पे। तो अब आप क्या, आपने क्या क्या देख लिया अहिल्याबाई होलकर की लिगेसी में, आपने देखा कि इनके नाम पे एक कोमेमोरेटिव स्टैंप इशू हुआ है, जो इंदौर का एयरपोर्ट है वो भी इनके नाम पर रखा गया है, उसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रखा गया है, और साथ में जो इंदौर की यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो आप बोल सकते हो वो रखा गया है, और साथ में ही इनके नाम पे एक अहिल्या देवी अवार्ड करके वो भी दिया जाता है, जो कि पहली बार जब दिया गया था वो किसको दिया गया था, वो नानाजी देशमुख को दिया गया था। यहाँ पे आपका जो अहिल्याबाई जो है वो यहाँ पे आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इनकी कब से कब तक चली थी, 1795 तक इनकी जो रूलिंग पीरियड है वो चली थी। अब 1795 के बाद क्या होता है, जो तुकोजीराव होलकर रहते हैं वो इनको सक्सीड करते हैं, तुकोजीराव होलकर इनको क्या करते हैं, सक्सीड करते हैं। अब तुकोजीराव होलकर के बारे में आप पहले ही जान चुके हो कि वो बहुत ही वो इनके भी क्या रह चुके हैं, मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तुकोजीराव होलकर जो हैं वो इनके मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं, किसके, अहिल्याबाई होलकर के। और ये जो रहते हैं ये बहुत ही एबल मिलिट्री आप ये बोल सकते हो कि मैन रहते हैं, है ना। और ये इनके दिमाग में दो चीजें रहती हैं, किसके, तुकोजीराव होलकर के। इनको अपनी लाइफ में दो जो मेन जो इनके मोटिव रहते हैं वो इनको करने रहते हैं, पहला रहता है कि इनको खंडेराव की डेथ का बदला लेना रहता है, बिकॉज खंडेराव की डेथ कब हो चुकी रहती है, 1754 के टाइम पे बैटल ऑफ कुम्भेर जो रहता है उसमें हो चुकी रहती है।
इनको ये लगता है कि जिनकी वजह से खंडे राव की डेथ हुई है, बिकॉज ये जो रहते हैं ना तुकोजी राव होलकर जो रहते हैं, तुकोजी राव होलकर बहुत ज्यादा ही समर्पित रहते हैं होलकर स्टेट के प्रति, मल्हार राव होलकर के टाइम से ही। और फिर उसके बाद मतलब जब मल्हार राव होलकर अपनी डेथ बेड पे भी रहते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मेरे बाद एक तुम ही हो, मतलब कौन, तुकोजी राव ही हैं जो माले राव होलकर की पूरी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, ये इतने ज्यादा डिवोटेड रहते हैं होलकर स्टेट को। लेकिन अब क्या होता है कि माले राव की भी अनटाइमली डेथ जाती है, तो ये जो अपना पूरा जो डिवोशन है तुकोजी राव होलकर जो रहते हैं वो पूरा डाइवर्ट कर देते हैं किसकी तरफ, अहिल्याबाई होलकर की तरफ। ठीक है, तो अब देखिए इनका इतना ज्यादा डिवोशन है तो अब बट ऑब्वियस है कि इनके मन में एक बात रहेगी कि खंडे राव जो थे वो अनटाइमली चले गए थे, है ना, तो ये सोचते हैं कि इनका तो इनकी मौत का तो बदला लेना ही लेना है, तो ये एक काम करते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि ये रोहिल्ला सरदार से भी थोड़ा सा इनका जो रहता है वो टेंशन रहता है, बिकॉज रोहिल्ला सरदार जो रहते हैं वो जब वो हुआ रहता है जब पानीपत का जो बैटल हुआ रहता है उसमें ये क्या रहते हैं, ये अफगान फोर्सेस के साथ रहते हैं, और इन्होंने क्या किया रहता है, इन्होंने बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया रहता है मराठा आर्मीज को। तो ये दो चीजें जो रहती हैं वो इनके टाइम पर ये करने के सोचते हैं, ये तो ये कर ही लेते हैं। रोहिल्ला सरदार वाला जो इनका जो रहता है इनके मन में कि मेरे को रोहिल्ला सरदार से बदला लेना है और इनको खत्म करना है, ये वो कर लेते हैं और इनसे बहुत एक अच्छी बूटी भी वसूल कर लेते हैं, काफी अच्छा हरजाना जो रहता है वो रोहिल्ला सरदार से वसूल कर लेते हैं और इनको डिफीट भी कर देते हैं। ठीक है, इनकी जो रीन है वो बहुत ज्यादा लास्ट नहीं करती है, बिकॉज आप देख रहे हो कि ये कब से चले आ रहे हैं, ये मल्हार राव के टाइम से चले आ रहे हैं, मल्हार राव के भी ये कॉन्टेम्प्ररी रहे, ये अहिल्याबाई के भी कॉन्टेम्प्ररी रहे, तो फाइनली 1797 में इनका रूल जो है इनकी डेथ के साथ ही खत्म हो जाता है, किसका, तुकोजी राव होलकर का। आज हमने कौन कौन से रूलर्स कर लिए होलकर डायनेस्टी के, सबसे पहले हमने किया मल्हार राव होलकर 1, उसके बाद इनके बेटे थे खंडे राव जो रूलर नहीं बन पाए, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। वो माले राव की जो रीन रहती है वो बहुत छोटी रहती है, 66-67 रहती है, और फिर उसके बाद इनमें हो जाती है डेथ। माले राव के बाद कौन आता है, देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई आप ये समझ लीजिए कि 1766 से वो कब तक होती है, 1795 तक रूल कर रही है। मैम आपकी प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है, यस मैम, ठीक है। मैं आपको बस ये बता रही थी कि हमने आज कितने रूलर्स कंप्लीट कर लिए हैं, हमने सबसे पहले मल्हार राव को देख लिया, मल्हार बाद उनके जो बेटे थे खंडे राव उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, हमने उनको देख लिया, खंडे राव के बाद उनके बेटे रहते हैं माले राव, माले राव की भी डेथ हो जाती है, माले राव के बाद अहिल्याबाई यूज जो है वो रूल करती है, और फिर अहिल्याबाई के बाद तुकोजी राव का रूल आता है। ठीक है, यहाँ तक के हमने पूरे जो होलकर्स के रूलर्स थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें अभी तक किसी को कोई भी डाउट है क्या, इसमें कोई भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, प्लीज रिवाइज करिएगा मेरा बार बार जो मैं ये रिपीट करती हूँ, आप ये सोचते होंगे कि मैम बार बार रूलर्स के नाम क्यों रिपीट कर रही है, मैम बार बार इंट्रोडक्शन क्यों रिपीट कर रही है, वो इसीलिए रिपीट करती हूँ ताकि मैं यदि बार बार बोलूंगी तो आप भी साथ में, अगर अपने जहाँ पे भी हैं आप भी अगर साथ में बोलेंगे तो आपको वो चीज याद हो जाएगी। मैं बार बार लिखती हूँ, आप भी अपनी कॉपी लीजिए,
साथ में जब क्लास चल रही होती है तो साथ में लिखिए उसको बार बार, तभी आपको ये याद होंगे लाइन से, अदरवाइज आपको ये याद नहीं होंगे। बिकॉज आप देखिए जितनी डायनेस्टीज हैं सभी डायनेस्टीज में बहुत सारे रूलर्स हैं। अब आप अगर उनको बार बार नहीं रिवाइज करेंगे, बार बार उनको बोल के नहीं लिखेंगे, तो वो आपको क्रोनोलॉजिकली याद नहीं होंगे। और अगर आपको वो क्रोनोलॉजिकली याद नहीं होंगे तो फिर उनको पढ़ने का आपको कोई भी बेनिफिट आप ये समझ लीजिए कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए जो भी लोग अपनी पेन कॉपी लेकर नहीं बैठते हैं, जो इस क्लास के साथ में नहीं लिखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज कल से अपनी पेन कॉपी लेकर बैठें और वो क्लास के साथ लिखें। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कहीं पे भी इन द बैक ऑफ द माइंड कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ से आपको याद हो जाएगा, तो वो आपको कभी भी याद नहीं होगा। जब तक कि आप खुद नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होगा। इसीलिए जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो आंसर कर पाते हैं, कोई भी रिकॉल ही नहीं कर पाता है। बिकॉज अगर आप क्लास के साथ नहीं लिखोगे, उसको कथा की तरह सुनते रहोगे, तो आप उसको रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। आज ये जितने भी रूलर्स हुए हैं इनके नाम आप एक बार, अब जब क्लास हो जाए उसके 15-20 मिनट बाद आप लोग अपनी कॉपी निकालिएगा और खुद से सोच के लिखिएगा कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। ये आपको क्रोनोलॉजिकली याद होगा, तो इनके टाइम पर जो लैंडमार्क इवेंट्स हुए थे आपको वो भी उसी टाइप से याद रह जाएंगे कि हाँ, अगर इनका रूल इतने से इतने टाइम पे था तो इस टाइम पे पैन इंडिया लेवल पे क्या चल रहा था। बिकॉज हमको कोई भी जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपनी, वो हमको आइसोलेशन में नहीं पढ़नी रहती है कि हमने बस जो यहाँ हो रहा है हमने वो देख लिया। हमें उसको अल्टीमेटली क्या करना रहता है, उसको कनेक्ट करना रहता है कि ऑल ओवर इंडिया जो चल रहा है उस टाइम पे, हमें उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। और वो तभी होगा कि जब आप उसको रिवाइज करोगे और साथ में जो साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं उससे उसको आप कनेक्ट करोगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मैं तो पीडीएफ दे ही दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आ गया समझ में? जो इतना बोला मैंने उसका कुछ रिजल्ट आएगा कल कि नहीं आएगा? कल मैं पूछूंगी स्पेसिफिक नाम लेके आप लोगों का, और जिसने भी आंसर नहीं किया मैं उसको मीटिंग रूम से बाहर कर दूंगी। ये आप ध्यान रखिएगा, फिर वो क्लास अटेंड नहीं करेगा कल की। कल आप लोग सभी चीजें रिवाइज करके आएंगे, भोपाल डायनेस्टी, गोंडवाना जो स्टेट था वो भी रिवाइज करके आएंगे, सिंधिया, ये तीनों आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये तीनों आप रिवाइज करके आइएगा, और साथ में होलकर जो जहां तक का कंप्लीट हो गया है आप ये भी रिवाइज करके आइएगा। मैं स्पेसिफिक होके कल क्वेश्चन करूंगी और जो आंसर नहीं कर पाया उसको बाहर कर दूंगी। बिकॉज मैं, मेरी ये शायद 4th-5th क्लास होगी आप लोगों के साथ और मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्स से। मैम जिसने आज की क्लास ज्वाइन करी उसे आज ही पढ़ के आना है? नहीं, वो पहले की जो वीडियोस डले हैं वो देख के भी आ सकता है। चलिए ठीक है, आप लोग रिवाइज करिएगा अच्छे से। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे।